Good evening all, and let's continue with p-block elements. Now guys, in case of p-block element, I'm going to ask you one question. H3VO3, इसे बी ओ एच थ्राइस ऐसा भी लिखा जाता है, ठीक है? इज विच टाइप ऑफ एसिड, इज विच टाइप ऑफ एसिड, ठीक है? इधर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. ओ गाइज, इट इज विच टाइप ऑफ एसिड. अच्छा, स्क्रीन इज लैगिंग. ओके, लेट मी सी. ऑप्शन ए, यस, इट इज लैगिंग अ लिटिल बिट. Let me stop my screen share and let's start it again. So, yes, तुम लोगों को यहाँ से लिखना start करना है guys. तुम लोगों को भी यहाँ से लिखना start करना है direct. ठीक है? तो A, it is Arrhenius acid. Option A is Arrhenius acid. Arrhenius acid. Wait a minute guys. मैं थोड़ा चार्जिंग पे लगा देता हूँ पहले, आपको स्क्रीन से प्रॉब्लम हो रहा होगा. अरेनियस एसिड, ऑप्शन बी, आई डोंट नो व्हाई इट इज लैगिंग, वेट, रिफ्रेश इट. ओके, तो बी लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड या फिर ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड. ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड एंड सी लुइस एसिड, ठीक है? डी नन ऑफ दी अबव, ठीक है? तो अब मुझे बताओ गाइज, आंसर कैसे आएगा? तो सबसे पहले तुम लोगों को लुइस एसिड क्या रहता है ये पता है? लुइस एसिड, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते थोड़ा सा. चलो, तो सबसे पहले रहता है अरेनियस एसिड. अरेनियस एसिड जो रहते हैं वो क्या करते हैं? अरेनियस एसिड जो रहते हैं वो H प्लस को एक्सेप्ट करते हैं, H प्लस एक्सेप्टर, ठीक है? लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड या फिर ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बी एल एसिड जो रहते हैं वो भी सेम करते हैं, H प्लस एक्सेप्टर नहीं, डोनर एसिड, H प्लस डोनेट करता है ना, तो H प्लस डोनर, मैं एक्चुअली बेस की बात कर रहा था गलती से, तो H प्लस डोनर रहते हैं, ठीक है? एंड लुइस एसिड जो रहता है, जी हम लोग ने देखा होगा, लुइस एसिड जो रहता है वो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, लोन पेयर एक्सेप्टर, ठीक है? तो गाइस, अब तुम लोगों को मुझे ये बताना है, लॉरी की स्पेलिंग एल ओ एल ओ डब्ल्यू आर वाई, ठीक है? अब तुम लोगों को मुझे ये बताना है कि एच थ्री बी ओ थ्री मतलब बी ओ एच थ्राइस ये क्या करेगा? ये H प्लस डोनेट करेगा या H प्लस एक्सेप्ट करेगा या फिर लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, क्या करेगा बताओ? ये कौन से टाइप का एसिड होना चाहिए, इतना तो तुम लोगों को भी पता होना ही चाहिए गाइज. वेरी नाइस, बहुत लोगों का आंसर करेक्ट है. तो गाइज, यहाँ पे पहली बात, बोरॉन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो बोरॉन के आउटरमोस्ट में रहते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6. मुझे बताओ ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दिस कंपाउंड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चीज क्या करेगी? ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगी. अब ये लोन पेयर किससे एक्सेप्ट करेगी? ये लोन पेयर वाटर से या फिर किसी और बेस से एक्सेप्ट करेगी. तो ये लोन पेयर एक्सेप्ट करेगी, वाटर ने अपनी लोन पेयर किसको दे दी? बोरॉन को दे दी. तो बोरॉन को देने के बाद हम लोगों को मिलता है बी ओ एच OH, 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 with a minus charge. वाटर में से, वाटर में याद रखना एक रहता है H plus, दूसरा रहता है OH minus. तो OH minus बोरॉन में चला गया एंड मुझे मिल गया H plus, एंड मुझे मिल गया H plus. आर यू गेटिंग इट? ये समझ में आया करे को? ये समझ में आया? दिस इज कॉल्ड एज टेट्राहाइड्रोक्सी, टेट्रा हाइड्रोक्सी बोरेट, ठीक है? अब मुझे बताओ गाइस, इसने क्या किया? इसने लोन पेयर एक्सेप्ट की,
लोन पर एक्सेप्टर मतलब कौन से टाइप का बेस हो गया, तो ये बन गया, कौन से टाइप का एसिड हो गया, तो ये बन गया लुईस एसिड. आर यू गेटिंग इट? लुईस एसिड इज द करेक्ट आंसर. तो अब गाइज याद रखो, जो इलेक्ट्रॉन पर एक्सेप्ट करता है, जो इलेक्ट्रॉन पर एक्सेप्ट करता है उसे हम लोग बोलते हैं लुईस एसिड. जो इलेक्ट्रॉन पर डोनेट करता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे लुईस बेस. ठीक है, डेटिव बॉन्ड है यहाँ पे, करेक्ट बोल रहे हो. यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, डेटिव बॉन्ड बन रहा है. ऐसे एरो से दिखा सकते हो तुम लोग चाहिए तो, बट यूजुअली हम लोग ये दिखाते नहीं है. अब मुझे बताओ गाइज, तो वॉटर ओवर हियर इज एक्टिंग एज अ बेस. वॉटर ओवर हियर इज एक्टिंग एज अ बेस. एनी डाउट? कोई शक? अब नेक्स्ट मुझे बताओ, यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या थी? यहाँ पे इसकी तीन बॉन्ड है. तीन बॉन्ड मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या रहती है? तीन बॉन्ड मतलब हाइब्रिडाइजेशन रहती है sp2. वेरी नाइस. एंड मुझे बताओ यहाँ पे चार बॉन्ड बन गए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई? यहाँ पे इसके चार बॉन्ड बन गए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई? sp3. कोई शक? डिफरेंस इन अरेनियस एंड ब्रॉन्स्टेड वो हम लोग बाद में देखेंगे, डोंट वरी. ठीक है, वो हम लोग इक्विलिब्रियम में देखेंगे. आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग देखने वाले हैं अरेनियस एसिड, ब्रॉन्स्टेड एसिड, लुईस एसिड एग्जैक्टली रहते क्या है. ठीक है, तो दैट विल लर्न लेटर ऑन, बट अभी के लिए इतना सफिशियंट है. ये लिख दो, कंप्लीट दिस फास्ट. यप, आवर टारगेट इज टू एंड पी ब्लॉक टुडे. देखते हैं खत्म होता है कि नहीं. ओके, तो लिख के हो गया गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट इज B2H6, जो हम लोग लास्ट टाइम पढ़ रहे थे. आई गेस हम लोगों का थर्ड कंपाउंड था B2H6. ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, LA मतलब लुईस एसिड, LB मतलब लुईस बेस, लुईस एसिड, लुईस बेस. ओके, तो गाइस B2H6 इज अ निडोबोरेन एंड इसके हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद इट्स प्रिपरेशन. नाउ इन केस ऑफ प्रिपरेशन, पहली बात याद रखो, बोरॉन जब तीन बॉन्ड बनाएगा, बोरॉन यहाँ पे साइड में लिख देना, बोरॉन जब तीन बॉन्ड बनाता है तो वो क्या रहता है? एट दैट टाइम इट इज अ न्यूट्रल कंपाउंड. ठीक है, बट अगर बोरॉन ने चार बॉन्ड बना लिए, चार बॉन्ड बनाए मतलब एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन आ गया, एक्स्ट्रा के इलेक्ट्रॉन आ गए मतलब कौन सा चार्ज रहने वाले? एक्स्ट्रा के इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज. एंड गाइस अगर उसने सिर्फ दो बॉन्ड बनाए, मतलब उसने उल्टा दो इलेक्ट्रॉन दे दिए, मुझे बता उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? ऐसे टाइम पे इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज. कोई शक? तो ये याद रखना. ठीक है, ये हम लोगों ने बॉन्डिंग में ऐसी बहुत सारी चीजें देखी है, बट एक बार वापस रिविजन. अब प्रिपरेशन, प्रिपरेशन फर्स्ट प्रिपरेशन इज क्वाइट ईजी. तुम लोगों को LiAlH4 लेना है, LiAlH4 लेना है और उसको रिएक्ट कराना है BF3 के साथ. अब मुझे बताओ गाइज इसमें रिएक्शन क्या होगी? एकदम सिंपल रिएक्शन होने वाली है. फर्स्ट ऑफ ऑल लिथियम के ऊपर कितना चार्ज रहता है? लिथियम का रहता है +1. एल्यूमिनियम का कितना रहता है? एल्यूमिनियम का रहता है +3. हाइड्रोजन -1 हो जाएगा. समझ में आ रहा है? इसका नाम रहता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. ये तुम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बार यूज करोगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. ठीक है, अब फ्लोरिन के ऊपर रहता है -1 चार्ज, बोरॉन के ऊपर कितना चार्ज रहता है? +3. ये सब हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन में चार्जेस एंड ऑल देखने वाले हैं. अभी के लिए अगर डाउट रहेगा तो सिर्फ लिख के रखो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब मुझे बताओ हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट करेगा? H- है तो वो B के साथ रिएक्ट करेगा, H- है तो वो B के साथ रिएक्ट करेगा. Al+3 है तो वो F- के साथ रिएक्ट करेगा, Li+1 है तो वो F के साथ रिएक्ट करेगा. वॉट आई विल गेट? आई विल गेट बोरॉन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर बनाएगा B2H6. बोरॉन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर बनाएगा B2H6. उसके बाद एल्यूमिनियम फ्लोरिन के साथ रिएक्ट करके बनाएगा AlF3. लिथियम फ्लोरिन के साथ रिएक्ट करके बनाएगा LiF. रिएक्शन समझ में आ रही है? देखो तुम लोगों को सिर्फ इतना पता रहना चाहिए कि प्लस और माइनस क्या है.
एंड बोरॉन और हाइड्रोजन कंबाइन होकर बनाते हैं B2H6। ये BH3 क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि गाइस ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन ज्यादा ऐड करने चाहिए जो हम लोगों ने देखा है, ठीक है। BH3 में बोरॉन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो इसकी वजह से अब बैलेंसिंग की बात आ जाती है गाइस। बैलेंसिंग तुम लोगों को एग्जाम में कोई नहीं पूछता, तो बैलेंसिंग याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 3 AlAlH4 लगेंगे, 3 AlF बनेंगे, 3 AlF3 बनेंगे, यहाँ पे 4 BF3 लगेंगे एंड मुझे 2 B2H6 लगेंगे। गाइस रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट, कोई शक? अब नेक्स्ट रिएक्शन, ये फर्स्ट रिएक्शन है, तुम लोगों के टेक्स्ट बुक में ये एक ही रिएक्शन है, बट हम लोगों को बाकी के रिएक्शन भी पता रहनी चाहिए। गाइस माय वॉइस इज प्रॉपर और नॉट? सम पीपल आर सेइंग, मतलब ओनली 1 पर्सन इज सेइंग दैट माय वॉइस इज क्रैकिंग। इट इज प्रॉपर ना? ओके, तो NaBH4 प्लस I2। अब गाइस मुझे बताओ आयोडीन के ऊपर कितना चार्ज रहना चाहिए? आयोडीन के ऊपर प्लस या माइनस चार्ज? ओके, इट इज प्रॉपर फ्रॉम माय साइड, आई थिंक आपकी तरफ से ही प्रॉब्लम है, मतलब जिसको आवाज ब्रेक होते आ रहे हैं। आयोडीन के ऊपर -1 चार्ज होना चाहिए, वेरी नाइस। आयोडीन के ऊपर -1 चार्ज आना चाहिए, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज आना चाहिए, गेटिंग इट? तो गाइज यहाँ पे सोडियम और आयोडीन कंबाइन होके बनाएंगे NaI। मुझे बताओ यहाँ पे कितने आयोडीन है? 2 आयोडीन है, तो मुझे कितने Na लगेंगे? 2 लगेंगे, 2 NaI बनेंगे। प्लस अब BH4 बच गया, BH4 में से क्या बनेगा? BH4 में से B2H6 बनेगा। अब गाइज मुझे बताओ, मेरे पास 4 × 2 = 8 हाइड्रोजन थे, जिसमें कि 6 हाइड्रोजन यहाँ पे यूज हो गए, H2 गैस रिलीज होगी, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। रिएक्शन कैसे हो रही है समझ में आ रहा है? तुम लोगों को सिर्फ चार्जेस पता रहने चाहिए, हेलोजन के ऊपर -1, सोडियम +1, मैग्नीशियम +2 रहता है, उतना ही पता रहना चाहिए, नथिंग एल्स। थर्ड रिएक्शन, अब ये रिएक्शन तुम लोग खुद से ट्राई करो, चलो। BF3 प्लस NaH, मुझे बताओ इसमें क्या बनेगा? बोरॉन +3, ये -1, ये +1, ये -1। अच्छा, सोडियम बोरोहाइड्रेट इसको बोलते हैं, इसका नाम लिख दो, सोडियम बोरो हाइड्राइड। ये दोनों रिएक्टेंट जो है वो तुम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ये ऑर्गेनिक का पार्ट है जो तुम लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। पार्थ करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। ईशा करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। आर्यन करेक्ट आंसर है विद बैलेंस्ड रिएक्शन, वेरी नाइस। अविष्कार करेक्ट आंसर है, धनंजय करेक्ट आंसर है, मधुरा करेक्ट आंसर है। ओके, तो गाइज यहाँ पे क्या होगा, देखो क्लोरीन और सोडियम क्या बनाएंगे? दे विल फॉर्म NaF एंड बोरॉन और हाइड्रोजन कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? दे विल फॉर्म B2H6, गेटिंग इट? अब यहाँ पे कितने B2H6 में हाइड्रोजन आए? 6 आए, 6 हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे 6 सोडियम हाइड्राइड लगेंगे एंड कितने बोरॉन लगे? 2, तो ये 2। अब 6 सोडियम 6 फ्लोरिन कंबाइन होकर 6 NaF बनाएंगे, दिस इज योर रिएक्शन गाइज, कोई शक? प्लस माइनस करने आना चाहिए, यू विल गेट योर रिएक्शन। टेम्परेचर याद रखने की जरूरत नहीं है, टेम्परेचर याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो लिख दो इसे, कंप्लीट करो, चलो फास्ट। 3 रिएक्शन है गाइस, बस इतना ही याद रखना है। ओके, और एक रिएक्शन नाम के लिए बता देता हूँ तुम लोगों को, चलो ये रिएक्शन पूछने के चांसेस नहीं है, अभी तक पूछी नहीं गई है, बट स्टिल अगर आ गई तो यू शुड नो इट, दिस प्लस BF3। अब गाइस क्या होने वाला है, इसमें कुछ नया होने वाला है क्या? क्लोरीन जो है वो यहाँ पे जाके चिपक जाएगा, हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे आके चिपक जाएगा एंड यू विल गेट NaBF4 प्लस B2H6। समझ में आ रहा है? देखो ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, 4, तो यहाँ पे ये समझ लो तुम लोगों को लगेंगे 4, ये बनेंगे 2 times और यहाँ पे फिर ये लगेंगे 3 और ये बनेंगे 3 times। देखो रिएक्शन बैलेंस्ड है, दिस रिएक्शन इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बट पहली 3 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर जे में क्वेश्चन भी आए हुए हैं, नो डाउट। प्रॉपर्टीज की तरफ जाएगा इस रिएक्शन, आई गेस अभी तुम लोगों को यूज हो गई रहेंगी थोड़ी बहुत। प्रॉपर्टीज ठीक है,
Now, guys, in case of properties, property number one, it is a colorless, odorless, poisonous gas. ठीक है. Now, guys, it is combustible in nature. It is combustible in nature. ये क्या रहता है? Combustible रहती है. अब गाइज मुझे बताओ कंबस्टिबल मतलब क्या? कंबस्टिबल है मतलब कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी. कंबस्टन रिएक्शन तुम लोगों को पता होंगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है. तो B2H6 प्लस O2. ठीक है. अब बोरॉन के ऊपर +3 चार्ज, ये इसके ऊपर चार्जेस देते नहीं हम लोगों को डायरेक्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट इनको पता है. तो बोरॉन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा मुझे बताओ? बोरॉन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? ये बनाएगा B2O3, पता है ना? बोरॉन +3, ये -2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है तो B2O3 बनता है. लास्ट टाइम हम लोगों ने बहुत सारी रिएक्शन देखी है इसकी. अब मुझे बताओ हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होके क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होके क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे H2O. गेटिंग इट और नॉट? वॉटर. अब गाइस इसको बैलेंस करना है, बैलेंसिंग में इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं रहता. यहाँ पे ये 3 है तो यहाँ पे ये 3 कर दो. 3 + 3 6 हो जाता है तो यहाँ पे 3 कर दो. रिएक्शन इज बैलेंस्ड. थर्ड रिएक्शन अंडरगोस हाइड्रोलाइसिस. अब मुझे बताओ हाइड्रोलाइसिस का मीनिंग क्या रहता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन? हाइड्रा मतलब वाटर, लाइसिस मतलब ब्रेकिंग. तो ब्रेकिंग ऑफ वाटर बाय यूजिंग वाटर, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बाय यूजिंग वाटर. ठीक है. हाइड्रोलाइसिस का मीनिंग रहता है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बाय यूजिंग वाटर. एंड गाइज मैंने तुम लोगों को पहले से बता के रखा है कि वाटर की रिएक्शन हमेशा कैसे लिखेंगे? H-OH. तो B2H6 प्लस H-OH. अब H के ऊपर रहता है +1 चार्ज, OH के ऊपर रहता है -1 चार्ज. बोरॉन के ऊपर रहता है +3 चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर आएगा -1 चार्ज. अब गाइज मुझे बताओ बोरॉन OH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? बोरॉन OH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? BOH ट्राइस. वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो. गाइस तुम लोगों को समझ में आता है ना, ये +3 OH को मल्टीप्लाई हो जाता है, ये -1 बोरॉन के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है. BOH थ्राइस, जिसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और H3BO3. एंड प्लस हम लोगों को क्या मिलने वाला है? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन कंबाइन होके बनाएंगे H2 गैस. यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है तो ये 6 लगेंगे, यहाँ पे 2 है तो ये 2 बनेंगे, और ये 6 और 6 बन जाएंगे 6H2 गैस. देखो रिएक्शन इज बैलेंस्ड. कोई शक? वी कांट कॉल इट एज हाइड्रेशन. हाइड्रेशन अलग प्रोसेस रहती है, हाइड्रेशन अलग प्रोसेस रहती है. ओके नाउ गाइस नेक्स्ट फोर्थ, सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल क्लीवेज. ठीक है, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे क्लीवेज रिएक्शन. अब बोरॉन जो है वो 2 टाइप के क्लीवेज में अंडरगो जा सकते हैं. पार्ट ए सिमेट्रिकल क्लीवेज. पहले ए सिमेट्रिकल देख लेते हैं. चलो ए सिमेट्रिकल क्लीवेज. एंड पार्ट बी इज सिमेट्रिकल क्लीवेज. गाइस क्लीव करना, क्लीवेज मतलब क्या? तो ब्रेकडाउन करना, कट करना. ठीक है, मेरे पास एक ऐसा मेटल रॉड है, इसको मैं अगर क्लीव कर रहा हूँ मतलब बीच में से ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ. ठीक है, ये हो गया सिमेट्रिकल, बीच में से कट किया. ये हो जाएगा एसिमेट्रिकल, साइड में से कट किया. समझ में आ रहा है? ओके. अब पहले हम लोग एसिमेट्रिकल क्लीवेज देखने वाले हैं. फर्स्ट पार्ट इज एसिमेट्रिकल क्लीवेज. एसिमेट्रिकल क्लीवेज. इन केस ऑफ एसिमेट्रिकल क्लीवेज small bases are used, small base is used. ठीक है,
छोटा सा बेस हम लोग यूज करते हैं. अब छोटा सा बेस मतलब क्या, तो चलो देखते हैं इसके बारे में. नाउ गाइस, यहाँ पे स्मॉल बेस इज यूज, तो स्मॉल बेस मतलब क्या होता है. तो अब मेरे पास B2H6 है. B2H6 को मैं अभी ओपन फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये समझ में आता है ना सबको. ठीक है, इसे हम लोग स्मॉल बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं. अब छोटा बेस मतलब हम लोगों के पास NH3 आ गया. ठीक है, अब मेरे पास गाइस दो NH3, कितने NH3 है, दो NH3 है, NH3. अब ये दोनों NH3 अपनी लोन पेयर लेके बोरॉन के ऊपर अटैक करने वाले हैं. अब गाइस ये दोनों जब अटैक करेंगे तो ये सेम साइड से अटैक करेंगे, ये सेम साइड से अटैक करेंगे, मतलब सेम बोरॉन के ऊपर अटैक करेंगे. अब मुझे बताओ गाइस, सेम बोरॉन के ऊपर अटैक करने के बाद बोरॉन क्या करेगा? बोरॉन बोलेगा कि भाई मुझे बाहर से दो एक्स्ट्रा के इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो एक काम करते हैं, ये दो एक्स्ट्रा के इलेक्ट्रॉन मतलब ये हाइड्रोजन के बॉन्ड दूसरे बोरॉन को दे देगा. अब मुझे बताओ यहाँ पे कट कहाँ से आ रहा है? यहाँ पे गाइस इधर बीच में से कट हो रहा है, कैन यू सी इट? यहाँ पे कट यहाँ पे बीच में से हो रहा है, कैन यू सी इट? एंड व्हाट आई विल गेट, मुझे बताओ मुझे क्या मिलेगा? मुझे एकदम सिंपल कंपाउंड मिलेगा. पहले तो मुझे मिलेगा BH2. BH2 को दो NH3 कंबाइन हो रहे हैं, तो BH2 NH3 ट्वाइस. ठीक है, अब गाइस यहाँ पे BH2 NH3 ट्वाइस बनने के बाद कट मतलब यहाँ पे बॉन्ड्स कट हो रहे हैं, बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, नथिंग एल्स, यहाँ पे बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं गाइस, दैट्स इट. अब मुझे बताओ गाइस, BH2 में बोरॉन को सिर्फ दो ही बॉन्ड्स अटैच्ड हैं, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा. एंड दूसरा क्या बचा गाइस? BH4 बचा. BH4 के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज आएगा. एनी डाउट? ये देखो अभी समझ में आ रहा है क्या? B2H6 को, अरे यहाँ पे दो हाइड्रोजन है ना, सिर्फ दो बॉन्ड बनाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आते हैं, सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज आएगा गाइस, एक पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, दो बॉन्ड मतलब एक पॉजिटिव चार्ज, याद रखो. यहाँ पे मैंने ऊपर इसलिए ये बता के रखा था, दो बॉन्ड एक पॉजिटिव चार्ज, भूलना मत. ठीक है, अब अभी क्या होगा, ये कंपाउंड हम लोगों को बन गया. ठीक है, इट इज अ इंटरमीडिएट, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं एडक्ट. एडक्ट मतलब एडिशन प्रोडक्ट. ठीक है, अब इसे जब हम लोग हायर टेम्परेचर पे हीट करते हैं, तो मुझे एक मस्त वाला कंपाउंड मिलता है जिसका फॉर्मूला रहता है, मैं इसका स्ट्रक्चर वापस बना रहा हूँ, BN 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 BN. H अमोनिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है गाइस. तुम लोग ये क्यों भूलते हो कि अमोनिया आपने लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है. ठीक है, एडक्ट मतलब एडिशन प्रोडक्ट, एडक्ट मतलब एडिशन प्रोडक्ट. ओके, तो गाइस इनऑर्गेनिक बेंजीन, करेक्ट बोल रहे हो, ये बन गया तुम लोगों का बोराजिन. एंड यहाँ पे टोटल 2 और यहाँ पे 3, मतलब यहाँ पे 3 टाइम्स आएगा, यहाँ पे ये 2 टाइम्स बनेगा, एंड फिर 1, 2, 3 12 और ये हो गए 6 और ये 12 36, तो 36 में से 12 निकल के 24, तो 12 H2 गैस रिलीज होगी. सी इफ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट. रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या? देखो, इट डज नॉट शो रेजोनेंस, ये रेजोनेंस इजीली शो नहीं करता. तो दिस इज कॉल्ड एज बोराजिन गाइस. ये रिएक्शन मेरी तरफ से, मैंने पूरी तरह से अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, स्टेप बाय स्टेप जाके. अगर तुम लोग NCERT में देखोगे, लेट मी शेयर NCERT PDF, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा. अगर तुम लोग NCERT देखोगे, जस्ट अ मिनट, आई एम ओपनिंग इट. ओके, NCERT में सेम रिएक्शन तुम लोगों को ऐसे दिखेगी. इधर है वो रिएक्शन दी है क्या? हाँ, NCERT में तुम लोगों को सेम रिएक्शन ये ऐसे दिखेगी, दिख रही है? बस इतना ही, ये वाला पार्ट.
बस ये इतना ही दिखने वाले तुम लोगों को, ठीक है? तो ये इतनी सी रिएक्शन तुम लोगों को कभी लाइफ में समझ में नहीं आएगी, जो कि मैंने मेरी तरफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है? तो व्हाट डिड वी ऐड टू दिस एडक्ट? एडक्ट को हम लोग सिर्फ हीट कर रहे हैं गाइस, ये सिंबल हीटिंग का रहता है, हम लोग ने उसको हीट किया और हम लोगों को बोराजिन मिल गया। एडक्ट मतलब एडिशन प्रोडक्ट, दोनों की एडिशन की है हम लोगों ने और कुछ नहीं, ठीक है? नाउ गाइज नेक्स्ट, वापस इस रिएक्शन को ओवरऑल लिख देते हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होती है गाइज? तो B2H6 प्लस 2NH3 इट गिव्स अस BH2 NH3 ट्वाइस, जिसके ऊपर रहता है पॉजिटिव चार्ज, एंड BH4 माइनस। जब हम लोग इस रिएक्शन को हीट करते हैं, जब हम लोग इस रिएक्शन को, अच्छा स्क्रीन शेयर सिर्फ एनसीईआरटी बुक की चालू है क्या? ओके, जब हम लोग इस रिएक्शन को हीट करते हैं तो हम लोगों को मिलता है B3N3H6 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है? तुम लोगों को यही रिएक्शन सिर्फ याद रखनी है, दिस रिएक्शन हैज टू बी रिमेम्बर्ड, ठीक है? यू हैव टू रिमेम्बर दिस, एंड आई गेस हम लोगों ने अच्छा खासा इजी मैनर में इसको याद रखने की ट्रिक बना के रख दी है, ठीक है? तो एसिमेट्रिकल क्लीवेज समझ में आया तुम लोगों को? एसिमेट्रिकल मतलब ऐसे बीच में से वो कट नहीं हो रहा है प्रॉपरली, वो ऐसे साइड वे से कट हो रहा है। अब जरा हम लोग सिमेट्रिकल क्लीवेज देखने वाले, ठीक है? किसी का लिखना बाकी है क्या? पहले सिमेट्रिकल क्लीवेज देख लेते चलो। तो गाइस नेक्स्ट बी इज सिमेट्रिकल क्लीवेज, पहले ये भी देख लो, तुम लोगों को दोनों के बीच का फर्क समझ में आ जाएगा। सिमेट्रिकल क्लीवेज, अब सिमेट्रिकल क्लीवेज जो है वो बल्कि बेस करते हैं, कौन करते हैं? बल्कि बेस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बल्कि बेस? बल्कि बेस एकदम सिंपल रहता है, तो बल्कि बेस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है? या फिर इसके अलावा CH3 राइस N, ठीक है? ये सारे बन जाते हैं हमारे बल्कि बेस, अमोनिया का मिथाइल डेरिवेटिव, ठीक है? ये सारे बन जाते हैं हमारे बल्कि बेस। जस्ट मिनट गाइस, आई एम गेटिंग अ कॉल। Yes guys, I'm back. Sorry. So where I was? Now over here, symmetrical cleavage कैसे होगी? तो देखो, पहले तो B H B2H6 plus, अब इसमें समझ लो हम लोगों ने add कर दिया carbon monoxide. अब जब carbon monoxide add होने वाला है तो ये कैसे add होगा? अब याद रखो अमोनिया के कंपैरिजन में कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ा बड़ा है, तो एक ही कार्बन मोनोऑक्साइड के पास एक लोन पेयर रहती है,
तो कार्बन मोनोऑक्साइड अलग अलग बोरॉन के ऊपर अटैक करेगा, ये एक इसके ऊपर, तो ये एक अटैक करेगा दूसरे बोरॉन के ऊपर। अब मुझे बताओ यहाँ पे जब कट होगा तो कट कैसे होगा? गाइस कैन यू सी कि यहाँ पे इधर बीच में से ऐसे कट होगा, सिमेट्रिकल कटिंग हो रही है क्योंकि दोनों के ऊपर एक एक कार्बन मोनोऑक्साइड अटैक कर रहे हैं। ये देख के तुम लोगों को ऊपर वाली रिएक्शन और अच्छे से शायद से समझ में आ सकती है। तो हम लोगों को प्रोडक्ट कैसे मिलेगा? बोरॉन को कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच हो रहा है एंड BH3 बन रहा है, मतलब BH3CO, ये हम लोगों को प्रोडक्ट मिल रहा है। आर यू गेटिंग इट? एंड ये 2 times होगा। देखो सिमेट्रिकल रिएक्शन जरा इजी है बट एसिमेट्रिकल वाले के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है? इज इट क्लियर? सिमिलरली अगर मैं वापिस ऐसे डायरेक्ट रिएक्शन लिख दूं तो तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि देखो B2H6 प्लस CH3 थ्राइस N, इट गिव्स अस BH3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड N CH3 थ्राइस 2 times। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो बोरॉन के ऊपर अटैक करेगा, दो अलग अलग बोरॉन के ऊपर 2 times अटैक होगा, तो तुम लोगों को सेम ऊपर वाली रिएक्शन मिलेगी जहां पे CO था, यहाँ पे ये कंपाउंड आ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं, इस कंपाउंड का नाम कोई बताएगा? दिस कंपाउंड इज ट्राइमिथाइल अमाइन। अरे कुछ दिमाग में घुसा? चलो बताओ जल्दी, इज इट क्लियर? अब ये रिएक्शन देख के तुम लोगों को ऊपर वाली रिएक्शन अच्छे से समझ में आ रही है क्या, कि ऊपर वाले में एसिमेट्रिकल क्लीवेज कैसे हो रहे हैं और नीचे वाले में सिमेट्रिकल क्लीवेज कैसे हो रहे हैं? ओके तो चलो ये लिख दो, ये कंप्लीट कर दो। कैन आई प्लीज एक्सप्लेन अगेन? ओके चलो वापस एक बार देख लो, जिन लोगों को डाउट है वापस एक बार देख लो। तो ओवर हियर, वैसे तो रिएक्शन गाइस बहुत इजी है, ये वाले रिएक्शन हम लोग वापस एक बार देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास B2H6 है, B2H6 ऐसा कंपाउंड है कुछ, दिस कंपाउंड इज रिएक्टेड विथ NCH3 थ्राइस। इसको मैंने उल्टा लिखा है, अभी ट्राइमिथाइलामाइन को मैं उल्टा लिख रहा हूँ, अमोनिया जैसा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये बहुत बड़ा ग्रुप है ना, बड़ा ग्रुप एक ही टाइम पे दोनों बोरॉन, एक ही बोरॉन के ऊपर अटैक करेगा ना, तो इनमें झगड़े होंगे, रिपल्शन होगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एक पहला बोरॉन के ऊपर अटैक करता है तो दूसरा वाला जो है वो दूसरे बोरॉन के ऊपर अटैक करता है। अब यहाँ पे तुम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे तुम लोगों को सिमेट्रिकल क्लीवेज मिलेगा, यहाँ से ये ब्रेकडाउन होगा, यहाँ से ये ब्रेकडाउन होगा, एंड ब्रेकडाउन होने के बाद यू विल गेट BH3 अटैच टू NCH3 थ्राइस। हाउ मेनी टाइम्स? 2 times। देखो क्लियर गाइज, सिमेट्रिकल क्लीवेज और एसिमेट्रिकल क्लीवेज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, ये चाहिए तो रट्टा मार के रखना, बट इसको वापस पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो चाहिए तो ये रट्टा मार के रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुडंट देयर बी 2 CO? तो यहाँ पे गाइस तुम लोगों को 2 CO दिख रहे नहीं है क्या? देखो यहाँ पे 2 CO ही तो है, और ऊपर जाना है, अरे और ऊपर जाएंगे, ठीक है लिख दो ऐसे। वाई डोंट वी राइट BH3? बिकॉज BH3 एग्जिस्ट नहीं करता, B2H6 एग्जिस्ट करता है, BH3 एग्जिस्ट करता ही नहीं है, B2H6 एग्जिस्ट करता है, इसकी वजह से हम लोग BH3 लिखते ही नहीं है। कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए तुम लोगों को MCQs देखने पड़ेंगे, सेम रिएक्शन पूछी जाती है और प्रोडक्ट पूछा जाता है, नथिंग एल्स। यहाँ पे गाइस 2 लिखा है ना, 2 times CO, यहाँ पे भी तो 2 times CO लिख दिया है, और क्या चाहिए? रिएक्शन इज करेक्टली बैलेंस्ड गाइस, तुम लोग रिएक्शन की बिल्कुल टेंशन मत लो, रिएक्शन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
ओके तो चलो गाइस हो गया होगा लिख के, अब आगे बढ़ते हैं. नाउ नेक्स्ट इज ग्रुप 14 एलिमेंट्स. ठीक है तो ग्रुप 14 एलिमेंट्स हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं. बोराज इन ग्रुप 13 का लास्ट टॉपिक था. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ग्रुप 14 एलिमेंट्स. मोस्ट प्रॉबली ये चैप्टर और ज्यादा चलने वाला है और एक लेक्चर लगेगा इसके लिए. तो फर्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद एयर. ठीक है अब रिएक्शन विद एयर में यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है. अब यहाँ पे दो टाइप के कंपाउंड्स बनते हैं. एक तो बनता है ई प्लस ओ टू गिविंग अस ई ओ टू. अब यहाँ पे ई ओ टू क्या क्या रहने वाला है, यहाँ पे ई ओ टू रहेगा सी ओ टू एस आई ओ टू जी ओ टू एस बी ओ टू पी बी ओ टू. ठीक है एंड सेकेंडली दूसरी रिएक्शन बनती है ई प्लस ओ टू टू ई प्लस ओ टू गिविंग अस ई ओ टू टाइम्स. अब ये ईओ क्या रहेगा गाइस, ये ईओ रहेगा सी ओ एस आई ओ जी ओ एस बी ओ एंड पी बी ओ. अब मुझे बताओ गाइस यहाँ पे अगर तुम लोगों को स्टेबिलिटी वाइज पूछा, यहाँ पे अगर तुम लोगों को स्टेबिलिटी वाइज पूछा विच वन इज मोर स्टेबल, विच वन इज मोर स्टेबल. ठीक है एंड तुम लोगों को पूछा पीबीओ ज्यादा स्टेबल है या पीबीओ टू ज्यादा स्टेबल है, बताओ विच वन इज मोर स्टेबल पीबीओ या पीबीओ टू, विच वन इज मोर स्टेबल पीबीओ या पीबीओ टू एंड व्हाई, एंड व्हाई. तो गाइस पीबीओ इज मोर स्टेबल. वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो, पीबीओ इज मोर स्टेबल. ठीक है तो गाइस पीबीओ इज मोर स्टेबल, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड पीबीओ बीइंग मोर स्टेबल. यहाँ पे देखो ये माइनस टू ये प्लस टू ये माइनस टू ये प्लस फोर, तो प्लस टू इज मोर स्टेबल पीबी प्लस टू इज मोर स्टेबल. इसका रीजन क्या है, आईपीई इनर्ट पेयर इफेक्ट. आईपीई मतलब क्या, इनर्ट पेयर इफेक्ट, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट. प्लीज मत भूलना, ठीक है ये प्लीज कोई भी मत भूलना, आईपीई इनर्ट पेयर इफेक्ट. ओके मैं गलती से यहाँ पे एस बी ओ लिख रहा हूँ, एस एन ओ आना चाहिए, करेक्ट बोल रहे हो. तीन आता है यहाँ पे, मैंने एस बी लिख दिया बाय मिस्टेकनली. तो गाइस दिस शुड बी एस एन ओ. ओके गाइस ये लिख दो, चलो फास्ट कंप्लीट दिस. नाउ गाइस इनर्ट पेयर इफेक्ट एक बार देख लेना, कब कौन सा क्या स्टेबल रहेगा तुम लोगों को समझ में आ जाएगा. यूजुअली ये वाला हमेशा स्टेबल रहेगा, लेस चार्ज वाला हमेशा स्टेबल रहेगा, ऐसा नहीं है. इनर्ट पेयर इफेक्ट हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा है, उसको एक बार रिवाइज कर लो. अब सेकेंड वन इज रिएक्शन विथ वॉटर. रिएक्शन विथ वॉटर आई कैनॉट. अच्छा आईपीई का फुल फॉर्म, आईपीई का फुल फॉर्म रहता है इनर्ट पेयर इफेक्ट. गाइस तुम लोग रिविजन करते हो, इनर्ट पेयर इफेक्ट आईपीई मतलब इनर्ट पेयर इफेक्ट. अब रिएक्शन विथ वॉटर गाइस याद रखो यहाँ पे सिर्फ एक ही कंपाउंड है जो वॉटर के साथ रिएक्ट कर सकता है, एस एन प्लस एच टू ओ. तीन ही एक इकलौता कंपाउंड है जो वॉटर के साथ रिएक्ट करता है. इन प्रेजेंस ऑफ हीट इट फॉर्म्स एस एन ओ टू प्लस एच टू गैस. ठीक है तो यहाँ पे कितने एस एन वाटर लगेंगे, यहाँ पे दो वाटर लगेंगे एंड दो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, खत्म. इतना ही कोई शक. अब यहाँ पे ऊपर कोई तो पूछ रहा था व्हाट इज ई. अब गाइस इन लोगों को इतना समझ में नहीं आता क्या, ईओ टू में मैंने सीओ टू दिया है तो यहाँ पे ये ई मतलब कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन और लेड ये रह सकते हैं. कॉमन सेंस की बात है, ये हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, बहुत टाइम से हो रहा है ये. अब थर्ड रिएक्शन इज रिएक्शन विथ हैलोजन. रिएक्शन विथ हैलोजन. अब गाइस रिएक्शन विथ हैलोजन में कैसे होगा,
यहाँ पे वापस दो टाइप की रिएक्शन होंगी, E प्लस एक्स टू, क्या मिलेगा मुझे, एक मिलेगा ई एक्स फोर। अब गाइज ई एक्स फोर मतलब क्या बनेगा, ई एक्स फोर कैन बी सी एक्स फोर, हेलोजन कैन बी फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन कुछ भी रह सकते हैं। तो सी एक्स फोर एस आई एक्स फोर जीई एक्स फोर एस एन एक्स फोर एंड पी बी एक्स फोर, ठीक है। एंड सिमिलरली ई प्लस एक्स टू कैन ऑल्सो गिव अस ई एक्स टू। अब ई एक्स टू क्या क्या रह सकते हैं गाइस, ई एक्स टू कैन बी सी एक्स टू एस आई एक्स टू जी एक्स टू एस एन एक्स टू एंड पी बी एक्स टू, कोई शक। अब मुझे बताओ इसमें स्टेबिलिटी अगर पूछी, Stability. Which one is most stable? CCl4, SiCl4, GCl4, SnCl4 या PbCl4? मुझे बताओ कौन सबसे ज्यादा स्टेबल रहता है। CCl4 सबसे ज्यादा स्टेबल रहता है एंड PbCl4 ये सबसे कम स्टेबल रहता है। मुझे बताओ PbCl4 ये सबसे कम स्टेबल क्यों रहता है, Why it is least stable? IPE, inert pair effect, correct बोल रहे हो, very nice. अरे कुछ याद है IPE please अच्छे से करके रखना, बहुत important है, बहुत सारे question आते हैं, ठीक है। And guys similarly अगर तुम लोगों को ऐसा question आया, which one is more stable, CCl2, SiCl2, GCl2, SnCl2 and PbCl2. अब बताओ इसमें कौन सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, यहाँ पे PbCl2 सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा बिकॉज PB जो है वो प्लस टू में रहना ज्यादा पसंद करता है। याद रखना PB जो है वो प्लस टू में रहना ज्यादा पसंद करता है बिकॉज ऑफ IPE, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। कंप्लीट दिस केमिकल प्रॉपर्टीज, कंप्लीट दिस बिटवीन CX2 एंड CX4। मुझे बताओ अगर ऐसा कंपेरिजन दिया तुम लोगों को बिटवीन CCl4 एंड CCl2 विच वन इज मोर स्टेबल, मुझे बताओ कार्बन दो बॉन्ड बना के खुश रहेगा या चार बॉन्ड बना के खुश रहेगा। CCl4 ऑब्वियसली कार्बन को चार बॉन्ड बनाना बहुत अच्छा लगता है, ये मतलब ऐसा डाउट आना ही नहीं चाहिए, बचपन से पढ़ा है। चलो गाइस कंप्लीट दिस फास्ट। PbCl2 इज मोर स्टेबल देन PbCl4, करेक्ट बोल रहे हो। यप, याद रखना वाटर के साथ यहाँ पे चाहिए तो लिख देना ओनली 10 रिएक्ट्स विद वाटर, यहाँ पे चाहिए तो लिख देना ओनली SN रिएक्ट्स विद वाटर। चलो कंप्लीट दिस। गाइस याद रखो कार्बन चार बॉन्ड बनाने में विश्वास रखता है, इसको चार बॉन्ड बना के ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। ओके गाइस चलो आगे बढ़े। Now next topic is anomalous behavior of carbon, ठीक है, वो next topic की heading डालो anomalous behavior of carbon। anomalous behavior of carbon, ठीक है।
तो गाइस कार्बन का एनोमलस बिहेवियर क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रीजन क्या रहता है मुझे बताओ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एनोमलस बिहेवियर? नंबर वन इज स्मॉल साइज, नंबर टू इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नंबर थ्री इज एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं रहता, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है। यहाँ पे डायगोनल रिलेशन नहीं आता, वो सिर्फ अनोमलस बिहेवियर दिखाता है। अब गाइज अनोमलस बिहेवियर कौन से रहते हैं? अनोमलस बिहेवियर इसके कौन से रहते हैं? तो सबसे पहला अनोमलस बिहेवियर ये रहता है कि ये सिर्फ चार बॉन्ड बनाता है, मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ कार्बन इज फोर। ये मैक्सिमम सिर्फ चार बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। कितने बॉन्ड बना सकते हैं? सिर्फ चार बॉन्ड बना सकते हैं। तो कार्बन हमेशा मैक्सिमम चार बॉन्ड बनाएगा, कितने बॉन्ड बनाएगा? चार बॉन्ड। वेयर एज सिलिकॉन जैसे जो कंपाउंड रहते हैं वो चार से ज्यादा बॉन्ड भी बना सकते हैं, वो चार से ज्यादा बॉन्ड्स भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ। अब गाइज मुझे बताओ इसके पीछे का रीजन क्या होगा? एंड चार से ज्यादा बॉन्ड बनेंगे तो ऑब्वियसली इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, परफेक्ट। तो गाइज इसके पास डी ऑर्बिटल रहता है, इसके पास क्या रहता है? डी ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है, ठीक है। एंड यहाँ पे नो डी ऑर्बिटल, यार ये ना मैक्सिमम कोवेलेंसी कॉन्सेप्ट केमिकल बॉन्डिंग से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साइज एंड ऑल ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला है, यहाँ पे सिर्फ डी ऑर्बिटल का रोल प्ले होता है, ठीक है, कि भाई इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, इसके पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। मैक्सिमम कोवेलेंसी केमिकल बॉन्डिंग में देखी थी हम लोगों ने गाइस, वापस वो एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा, बट ये इतना तो एग्जाम्पल में लिख के दे सकता हूँ। पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू क्या रहता है? तो कार्बन कैन फॉर्म पी पाई बॉन्ड्स। अब गाइस पी पाई बॉन्ड क्या रहता है? ये किस चिड़िया का नाम है? तो गाइस पी पाई बॉन्ड मतलब तुम लोगों को पता होगा कार्बन डबल बॉन्ड बना सकते हैं, तो कार्बन ये खुद के साथ भी डबल बॉन्ड बना सकते हैं, दूसरों के साथ भी डबल बॉन्ड बना सकते हैं, ये खुद के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं, और ये दूसरों के साथ भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं पी पाई बॉन्ड के। पाई बॉन्ड करेक्ट बोल रहे हो, अब पाई बॉन्ड क्या रहता है या फिर पी पाई बॉन्ड क्या रहता है वो मत पूछना प्लीज, ठीक है। तो बट बाकी के बना सकते हैं क्या? तो बाकी के नहीं बना सकते, तो रेस्ट एलिमेंट एलिमेंट्स cannot form p pi bond because of their large size, ठीक है। इनकी साइज बहुत बड़ी रहती है तो जिसकी वजह से वो p pi bond बना नहीं सकते, अद्वैत करेक्ट बोल रहे हो। एंड थर्ड पॉइंट इज कैटनेशन टेंडेंसी, कार्बन हैज हाइएस्ट कैटनेशन टेंडेंसी, कार्बन की कैटनेशन टेंडेंसी महाभयंकर रहती है। इसका रीजन क्या है? एज इट फॉर्म्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिंगल बॉन्ड because of its small size. उसकी साइज छोटी रहने की वजह से कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग रहती है बाकियों के कंपैरिजन में। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन ये सिलिकॉन के कंपैरिजन में बहुत स्ट्रांग रहता है, जर्मेनियम के कंपैरिजन में भी बहुत स्ट्रांग होता है, इनके कंपैरिजन में भी बहुत स्ट्रांग बन जाता है,
एंड लेड के कंपैरिजन में भी बहुत स्ट्रांग बन जाता है, तो इसका बॉन्ड एकदम तगड़ा वाला रहता है, तो जिसकी वजह से ये खुद के साथ बहुत सारे सिंगल बॉन्ड बना सकता है, जिसकी वजह से ये खुद के साथ बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स बनाते जा सकता है. आर यू गेटिंग इट? लेड में नो कैटनेशन टेंडेंसी, इतना भी बता देता हूँ. ठीक है, अब तुम लोगों को क्वेश्चन कैसे आएंगे उसके ऊपर बहुत डाउट रहते हैं, तो क्वेश्चन ये जेई 2017 का क्वेश्चन है. Which of the following forms p pi bond? ठीक है, ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी जर्मेनियम, ऑप्शन डी टिन. तुम लोगों को इसका आंसर मुझे नहीं लगता मुझे बताने की जरूरत है. ठीक है, अगर मुझे बताने की जरूरत पड़े तो मतलब एक तो टीचर नया ढूंढ लो या फिर क्या पता और क्या. तो अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो कैटनेशन टेंडेंसी. पी ब्लॉक के दो क्वेश्चन आए थे जेई 2017 में और दोनों एक ही टॉपिक से थे, मतलब देखो इमेजिन करो अनोमलस बिहेवियर के ऊपर ही दोनों के आ गए थे. तो अगर तुम लोगों ने थोड़ा सा भी अगर अच्छे से पढ़ लिया होगा तो तुम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, मतलब तुम लोग फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, इधर फिजिकल केमिस्ट्री जैसे तुम लोगों को सोचने की जरूरत है ही नहीं गाइस, यहाँ पे तुम लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री जैसे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है. तुम लोगों को अगर आंसर पता है टिक करके आगे निकल जाओगे, नहीं पता है तो सर फोड़ने में कुछ पॉइंट ही नहीं है. पता नहीं है तो अभी क्या करोगे, फिजिकल केमिस्ट्री में कैसे फॉर्मूला याद कर सकते हैं, वैल्यूज पुट कर सकते हैं, कुछ तो जुगाड़ लगा सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. आंसर आ रहा है तो टिक करके आगे बढ़ो, नहीं आ रहा है तो स्किप करके आगे बढ़ो. ठीक है, बट आई थिंक इट इज वेरी सिंपल, इसमें कुछ ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है, ये एकदम इजिली हो जाता है. ठीक है, तो इसलिए मैं बोलूंगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितना हो सके स्ट्रॉन्ग करके रखना, इसके लिए जितने हो सके तुम लोगों के शॉर्ट नोट्स खुद के बना के रख देना. ठीक है, बिकॉज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम लोगों को बहुत ही इजीली ये दे देता है, स्कोर दे देता है. अच्छा, जर्मेनियम नहीं, ओके सॉरी, फ्लो में मैंने गलत ऑप्शन दे दिए बात करते करते. लेड, टीबी. चलो गाइस, कंप्लीट दिस अनोमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन. हाउ मच वेटेज इज ऑफ पी ब्लॉक? पी ब्लॉक का एक सिंगल चैप्टर का वेटेज नहीं रहता गाइस, याद रखो. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम लोगों को कौन से टॉपिक्स हैं, तो पहला तो है केमिकल बॉन्डिंग. केमिकल बॉन्डिंग में 2 से 3 क्वेश्चन आते ही है. ठीक है, दूसरा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें से भी 2 से 3 क्वेश्चन आते ही है. तीसरा है तुम लोगों का पीरियोडिक टेबल प्लस एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, इन सब में से भी 2 से 3 क्वेश्चन आते ही है. एंड फाइनली आता है मेटलर्जी, एंड मेटलर्जी में तुम लोगों को एक क्वेश्चन आता है. टोटल तुम लोगों के क्वेश्चन बन जाते हैं 10 क्वेश्चन. ठीक है, अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इसमें पीरियोडिक टेबल में 2 से 3 क्वेश्चन के बदले 4 क्वेश्चन आ जाए. ठीक है, इसमें ही 4 क्वेश्चन आ जाए और इसमें सिर्फ 3 के बदले 2 ही क्वेश्चन आ जाए. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? या फिर हर एक में से 3, 3, 3 ऐसे क्वेश्चन आ जाए. तो थोड़ा बहुत पेपर पैटर्न चेंज हो सकता है, वेटेज थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज ये तुम लोगों का ट्रेंड रहता है. तो इसमें केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं, बिकॉज ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि तुम लोग एकदम इजीली कर सकते हो, सिंगल टॉपिक है और उसमें तुम लोगों को 3, 3, 6 क्वेश्चन ऐसे ही मिल जाते हैं. ठीक है, दिस इज द पैटर्न ऑफ जेई, जेई के लिए पैटर्न रहता है.
नीट वालों का अगर चाहिए तो नीट वालों को टोटल क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 9 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 9 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नीट में कैसे होता है, तो केमिकल बॉन्डिंग में 3 से 4 क्वेश्चन, कभी कभी नसीब अच्छा हो तो 5-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में 4 क्वेश्चन कंपलसरी आते ही है। पीरियोडिक टेबल के ऑन एन एवरेज पकड़ के चलो कि 6 क्वेश्चन आते हैं, एंड मेटलर्जी के 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। ये नीट का पैटर्न होता है। ये 11th और 12th कंबाइंड बोल रहा हूँ मैं गाइज, 11th और 12th कंबाइंड। तुम लोगों को मेटलर्जी नेक्स्ट ईयर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नेक्स्ट ईयर है, डीएनएफ ब्लॉक और पी ब्लॉक नेक्स्ट ईयर है। ओके चलो गाइज ये लिख के कंप्लीट कर दो। फिजिकल केमिस्ट्री, ये फिजिकल केमिस्ट्री के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज एंड ऑल वो तुम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के टाइम पे पूछ लेना, अभी के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो ये लिख दो कंप्लीट दिस। यप, अगर आज हम लोग चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाए तो ट्यूसडे को चैप्टर डेफिनेटली कंप्लीट होने ही वाले हैं। मतलब ट्यूसडे को हम लोग चैप्टर कंप्लीट करके गेशियस स्टेट न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, या फिर ट्यूसडे को जल्दी खत्म कर देंगे चैप्टर सब लेक्चर और डाउट सेशन कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइस लिख के हो गया, 1 घंटा हुआ है अभी तक, ब्रेक क्या मांग रहे हो। यस मैं ब्रेक देने भी नहीं वाला हूँ अभी। ओके डन गाइस हो गया लिख के सबका। चलो तो आगे बढ़ते हैं। नाउ गाइस नेक्स्ट नेक्स्ट इज सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ठीक है। सॉरी सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड के पहले एलोट्रॉप्स पढ़ने पड़ेंगे हम लोगों को, तो नेक्स्ट इज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। अब कार्बन के 2 टाइप के एलोट्रॉप्स रहते हैं, तो एलोट्रॉप्स जरा हम लोग डिवाइड करके पढ़ेंगे इनको। एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप के रहते हैं। एक रहते हैं क्रिस्टलाइन, नंबर 1 इज क्रिस्टलाइन एंड नंबर 2 इज अमॉर्फस। ओके नाउ गाइस क्रिस्टलाइन जो है वो इंपॉर्टेंट है, वही हम लोग स्टडी करने वाले हैं, अमॉर्फस हम लोग स्टडी नहीं करने वाले।
तो क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स कौन से रहते हैं? नंबर वन इज ग्रेफाइट, नंबर टू इज डायमंड, नंबर थ्री इज फुलरीन एंड नंबर फोर इज ग्रफिन. अब बोलना मत, ये पढ़ा नहीं है पहले, ठीक है? कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, सिर्फ डायग्राम ड्रॉ कर की जाएगी एंड हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? अब अमॉर्फस जो रहता है, ठीक है, या इट इज डन, बट ये जस्ट हम लोगों की रिविजन है. अब गाइस, अमॉर्फस जो रहता है वो क्या रहते हैं? वो रहते हैं कोल, कोक, चारकोल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है? तो अब कार्बन के हम लोग एलोट्रॉप्स देखने वाले हैं, तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद ग्रेफाइट, ठीक है? पढ़ाई की नहीं, पढ़ाई गाइस ये तुम लोगों ने, पहले हम लोग पढ़ने वाले ग्रेफाइट. अब मुझे बताओ ग्रेफाइट में हाइब्रिडाइजेशन क्या रहती है? यस, ये तुम लोगों को ड्रॉ करना है, ये तुम लोगों को ड्रॉ करना है गाइस, ठीक है? sp2 रहती है, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो. इसकी हाइब्रिडाइजेशन रहती है sp2, एंड स्ट्रक्चर कैसे रहता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर रहता है हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर, करेक्ट, जो कि स्टैगर्ड फॉर्म में रहता है, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो. तो गाइस चलो डायग्राम बना लो, एकदम छोटी सी डायग्राम बनाना, अब ज्यादा कुछ एकदम कलाकारी करने की जरूरत नहीं है हम लोगों को. लोगों को समझ में आ रहा है केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट है, वो बार बार देखते रहना चाहिए, तो क्योंकि उसके ऊपर हम लोगों को बार बार काम आएगा. ठीक है, ओके. तो ये तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, पता होगा ये क्या है, ठीक है? और दो लेयर्स के बीच की स्पेसिंग कितनी रहती है? दो लेयर्स के बीच की स्पेसिंग कितनी रहती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम, करेक्ट बोल रहे हो. एंड इन दो लेयर्स के बीच में कौन प्रेजेंट रहता है? इन दो लेयर्स के बीच में प्रेजेंट रहते हैं गाइस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, विच आर फ्री टू मूव, पता होगा, याद होगा होपफुली. ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, कोई शक? अब यहाँ पे गाइस इसका यूज क्या रहता है? यूजेस, नंबर वन यूज्ड इन पेंसिल, ठीक है, नंबर टू एज अ सॉलिड ल्यूब्रिकेंट, ठीक है? तो गाइस याद रखो ये दो जो लेयर्स है ना वो एक दूसरे के ऊपर घिस सकती है, जब ये एक दूसरे के ऊपर घिसेंगी तो दे कैन एक्ट एज अ ल्यूब्रिकेंट, ठीक है? तो ल्यूब्रिकेंट के काम आता है ये, सेकंड यूज. एंड थर्ड यूज इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एज इलेक्ट्रोड्स, इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एज इलेक्ट्रोड्स, ठीक है? तो ये इसके कुछ यूजेस हैं, लिख दो इसे, कंप्लीट कर दो. तो ये हो गया ग्रेफाइट. अब इसके बाद हम लोग देखने वाले डायमंड, फिर हम लोग देखने वाले फ्लोरीन एंड फाइनली ग्रफीन, ठीक है? तो कंप्लीट दिस, तुम लोगों का लिखना बाकी होगा, डायग्राम बनानी बाकी होगी.
ओके गाइस, हो गया लिख के, आगे बढ़े. देन नहीं, ओके ठीक है गाइस, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बिकॉज यहाँ पे अगर हम लोग बैठे रहे तो बहुत टाइम चला जाएगा. ठीक है, और ये हम लोगों का पहले भी हो गया है, तो तुम लोग बाद में वापस अपने नोट्स में से ही कॉपी कर सकते हो. तो नेक्स्ट नेक्स्ट इज ग्रेफाइट के बाद डायमंड. सेकेंड वन इज डायमंड. अब गाइस डायमंड का भी तुम लोगों को पता ही है, डायमंड में कैसे रहता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहता है एंड इट फॉर्म्स अ जाइगेंटिक स्ट्रक्चर. जाइगेंटिक स्ट्रक्चर, ठीक है. तो अब यहाँ पे कैसे होता है, पहला कार्बन आया, उसने तीन कार्बन की हेल्प की, फिर इन तीन कार्बनों ने और तीन कार्बन की हेल्प की, फिर ये और आगे बढ़ते गया एंड फिर खत्म, मतलब ये और आगे बढ़ते जाएगा. ठीक है, तो हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस ही है, करेक्ट बोल रहे हो. तो गाइस इसका यूज क्या लिखेंगे हम लोग, इसका यूज क्या लिखेंगे हम लोग, पहला तो इट इज यूज इन ज्वेलरीज, नंबर टू इज ग्लास कटिंग, नंबर थ्री इज डायमंड कटिंग. डायमंड डायमंड को कट करता है, पता होगा तुम्हें को, लोहा लोहे को जैसे काटता है. ठीक है, तो एनी डाउट. चेयर फॉर्म तुम लोगों को काटने बनाने की जरूरत नहीं है गाइस. ठीक है, चेयर फॉर्म तुम लोगों को बनाने की जरूरत नहीं है, वो हम लोगों के सिलेबस में ही नहीं है, और एक बार बना लिए बस हो गया. थर्ड वन इज फुलरीन. फुलरीन फुलरीन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, करेक्ट, sp2 हाइब्रिडाइजेशन. एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बाद इट इज हार्ड ड्यू टू इट्स जाइगेंटिक स्ट्रक्चर, करेक्ट बोल रहे हो. रीजन फॉर हार्डनेस इज इट्स जाइगेंटिक स्ट्रक्चर, जो कि सिंगल बॉन्डेड रहता है. ठीक है, अब फुलरीन गाइस, फुलरीन कैसे रहता है, फुलरीन में हेक्सागोनल रिंग्स भी रहती है और पेंटागोनल रिंग्स भी रहती है. तो पेंटागोनल रिंग्स जो रहती है वो हेक्सागोन्स को टच करती है क्या गाइस, मुझे बताओ. फुलरीन में पेंटागोनल रिंग्स जो है वो हेक्सागोन्स को टच करती है क्या, नो दे वोंट, करेक्ट. ऐसा क्वेश्चन अगर आया, इन फुलरीन हेक्सागोनल रिंग्स डू नॉट टच टू पेंटागोनल रिंग्स, ट्रू और फॉल्स, क्या रहेगा बताओ. इन फुलरीन हेक्सागोनल रिंग्स डू नॉट टच पेंटागोनल रिंग्स, ट्रू और फॉल्स. फॉल्स है, वेरी नाइस गाइस, दिख रहा है हेक्सागोन पेंटागोन को टच कर रहा है, दे डू टच ईच अदर, ये टच करते हैं. तो पेंटागोनल रिंग्स, सॉरी हेक्सागोनल रिंग्स डू नॉट टच हेक्सागोनल रिंग्स, ट्रू और फॉल्स. हेक्सागोनल रिंग्स डू नॉट टच हेक्सागोनल रिंग्स, ट्रू और फॉल्स. गाइस तुम लोगों को दिख रही है हेक्सागोन्स भी एक दूसरे को टच कर रहे हैं. तुम लोगों को हेक्सागोन और पेंटागोन क्या रहता है पता है ना, जो लोग ट्रू बोल रहे हैं. हेक्सागोनल रिंग्स डू नॉट टच हेक्सागोनल रिंग्स, ट्रू और फॉल्स. तो ये भी फॉल्स हो जाएगा. अब फाइनली पेंटागोनल रिंग्स डू नॉट टच पेंटागोनल रिंग्स. Pentagonal rings do not touch pentagonal rings. True or false? That is true. Correct बोल रहे हो. That one is true. क्योंकि pentagon एक दूसरे को touch यहाँ पे करते ही नहीं है. ठीक है. There are 12 pentagons in C60. Correct or wrong? There are 12 pentagons in C60. True or false? जितना हो सके उतना मैंने इसको स्फेरिकल बनाने की कोशिश की है, बट अगर किसी को नहीं लग रहा है तो चेक करवा ले. तो ये लग रहा है तुम लोगों को स्फीयर अभी, हाँ बोलो.
So guys, how many pentagons are there? How many pentagons are there? 12 pentagons are there. इसके अंदर रहते हैं 12 pentagons. How many hexagons are there? इसके अंदर रहते हैं 20 hexagon. इसका फॉर्मूला मैंने तुम लोगों को लिख के दिया था, नहीं दिया होगा तो अभी लिख लेना. फॉर्मूला क्या रहता है इसका? इसका फॉर्मूला रहता है n by 2 minus 10, पता होगा तुम लोगों को, ठीक है. किसका फॉर्मूला? नंबर ऑफ hexagons का. दिस फॉर्मूला इज फॉर नंबर ऑफ hexagon. ऐसे लिख दो, नंबर ऑफ hexagon इज इक्वल्स टू n by 2 minus 10, ठीक है. ये हम लोगों का फॉर्मूला रहता है, where n is number of, where n is number of carbons, ठीक है. तो ये हम लोगों का फॉर्मूला रहता है. तो अगर तुम लोगों को ऐसा क्वेश्चन आए इन C70, हाउ मेनी pentagons and how many hexagons are there? तो गाइस पेंटागॉन कितने रहते हैं? पेंटागॉन हमेशा 12 रहने वाले हैं, बट हेक्सागॉन कितने रहेंगे? हेक्सागॉन रहेंगे 70/2 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 35 माइनस 10, मतलब बन जाएंगे 25. अभी तक C60 के ऊपर ही क्वेश्चन नहीं आया गाइस, अभी तक C60 के ऊपर ही क्वेश्चन नहीं आया है, तो C70 के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस ना के बराबर है. बट स्टिल अगर आया तो एडवांस लेवल के लिए थोड़ा सा याद रखना, ठीक है. चलो राइट इट डाउन फास्ट. ग्रफीन, ग्रफीन हम लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है गाइस, ठीक है, बिकॉज वो उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है एंड उसके ऊपर आज तक क्वेश्चन भी नहीं पूछे गए हैं. ओके गाइस, हो गया लिख के. नंबर ऑफ पेंटागॉन इज कांस्टेंट. फुलरिन का ऐसे कोई यूज नहीं अभी के लिए, फुलरिन का यूज नहीं है ऐसा कुछ स्पेसिफिक. ओके सो गाइस, ब्रेक लेना है, अभी ब्रेक लेना है. चलो तो नाउ विल टेक अ स्मॉल ब्रेक. ओके नहीं नहीं रुको रुको, एक ब्रेक के पहले एक छोटी सी रिएक्शन देख लेते हैं, एक छोटी सी रिएक्शन जो कि इम्पोर्टेंट भी है, छोटी सी रिएक्शन, ठीक है. तो रिएक्शन ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है. तो गाइस ग्रेफाइट, ग्रेफाइट की रिएक्शंस क्या रहती है तो याद रखो, ग्रेफाइट का हम लोग छोटा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे. अब ये प्लस जब हम लोग इसको किसी मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये मेटल अंदर जाके बैठ जाता है, ये मेटल अंदर जाके बैठ जाता है. अब मुझे बताओ ये मेटल जैसे ही अंदर जाके बैठेगा तो क्या होगा? ये अंदर जाके बैठ गया, Na+ बन गया, एंड ग्रेफाइट का क्या हुआ?
ग्रेफाइट में तुम लोगों को कौन से चेंजेस दिख रहे हैं? तो ये अलाइंड हो जाते हैं, पहली चीज ये। प्लस मुझे बताओ अगर बीच में कोई चीज आके बैठ गई तो इंटरलेयर डिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा? मुझे बताओ, पहले इसका डिस्टेंस जो था वो समझ लो था ए, बाद में ए से ये बी हो गया, तो डिस्टेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है? दिस इज माय सेकंड क्वेश्चन। चलो बताओ, ये ए डिस्टेंस था, ए से ये बी बन गया तो डिस्टेंस बढ़ेगा। वेरी नाइस। तो गाइस ए इज ग्रेटर देन बी, याद रखना है, ठीक है? डिस्टेंस बढ़ जाता है एंड दिस इज कॉल्ड एज इंटरकैलेशन कंपाउंड्स। अच्छा मैंने उल्टा लिखा है क्या? ओके, दीज कंपाउंड्स बिहेव्स एज सुपर कंडक्टर, बिहेव्स एज सुपर कंडक्टर एट लो टेम्परेचर। ठीक है, बस इतना हम लोगों को पता रहना चाहिए। हाउ कम Na becomes positive? Because Na अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा। Na अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, भूल गए क्या? यहाँ पे बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स में Na का भी इलेक्ट्रॉन चला जाते हैं एंड सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज आ जाती है। प्रोडक्ट बिहेव एज सुपर कंडक्टर, करेक्ट बोल रहे हो? प्रोडक्ट जो है वो सुपर कंडक्टर जैसा बिहेव करता है एंड ये रिएक्शन तो लेस इंपॉर्टेंट है, नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब ये फर्स्ट रिएक्शन जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट गाइस सेकंड रिएक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दिस रिएक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये रिएक्शन क्या रहती है? तो देखो ग्रेफाइट, इसको मैं सी एन लिख दूं, एन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर देयर, व्हेन इट इज रिएक्टेड विद कॉन्क HNO3। ठीक है, When it is reacted with conch HNO3, yep, ये aligned हो जाता है guys, ये aligned हो जाता है, ये aligned हो जाता है। Intercalation मतलब बीच में जो spacing रहती है वहां पे जब compound कोई बैठ जाता है, metal आके बैठ जाता है, तो those compounds are called as intercalation compounds। अब यहाँ पे क्या होता है guys? तो यहाँ पे ये ऐसा कुछ बन जाता है, ग्रेफाइट का एक हेक्सागोन बेंजीन एंड बाकी हर एक जगह पे C डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, ये ऐसा कुछ बन जाता है एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज बेंजीन, बेंजीन हेक्सा कार्बोक्सिलिक एसिड। गाइस ये रेजोनेंट होगा या नहीं होगा ये तुम लोगों को मुझे पूछना ही नहीं चाहिए, अगर बेंजीन है तो रेजोनेंस होगा। अब इसे जब हम लोग हीट करते हैं, तो मुझे क्या मिलता है? तो हीट करने के बाद इसमें से वाटर निकलते हुए दिख रहा है क्या? देखो हीट करने के बाद इसमें से वाटर निकलते हुए दिख रहा है, ये थोड़ी सी ऑर्गेनिक की रिएक्शन हो गई ऐसे समझ लो। मुझे बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड में से जब हम लोग वाटर निकालते हैं तो मुझे क्या मिलता है? कीटोन, खड़ कुछ भी, ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा हुआ बताओ? ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा हुआ? एसिड अनहाइड्राइड। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। यहाँ पे ये इधर ऐसे देखो, ये जॉइंट हो गया, वाटर निकल गया, यहाँ पे ये कनेक्ट हो गया, ये इतना पार्ट और ये इतना पार्ट, समझ में आ रहा है कि देखो वाटर निकलने के बाद यहाँ पे ये कार्बन ऑक्सीजन को कंबाइन हो गया और ये ऐसे कुछ बन गया, दिस इज कॉल्ड एज अनहाइड्राइड। तो सेम वे हर एक जगह पे अनहाइड्राइड बन रहे,
कोई शक ऐसा कुछ बनेगा ये। अब मुझे बताओ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आएगा, मुझे बताओ इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहता है, कितने कार्बन है। देखो एक दो अलग इंक यूज करते हैं, एक दो तीन चार पांच छ, छ और बाहर वाले छ मतलब टोटल 12 कार्बन है, 12 कार्बन और कितने ऑक्सीजन है, हर एक के पास तीन ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो तीन गुणा तीन ओ नाइन, सी ट्वेल्व ओ नाइन, समझ में आ रहे सी ट्वेल्व ओ नाइन, एंड दिस इज कॉल्ड एज कार्बन, दिस इज कॉल्ड एज कार्बन सब ऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड एज कार्बन सब ऑक्साइड। सब ऑक्साइड क्या रहते हैं, सब ऑक्साइड कंपाउंड्स कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन देन अदर एलिमेंट्स, ठीक है। जब कार्बन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन का नंबर कम हो जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं सब ऑक्साइड, ठीक है। तो दिस इज कार्बन सब ऑक्साइड ये रिएक्शन, ठीक है। राइट इट डाउन एंड नाउ वी कैन टेक अ ब्रेक, एंड ब्रेक इज टिल, चलो आज तुम लोगों को थोड़ा बड़ा ब्रेक दे देता हूँ, थक गए होंगे। ठीक है
यस गाइस, एम आई ऑडिबल? टाइम इज अप। ओके, सो नाउ गाइस, नेक्स्ट नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स देखने वाले हैं। स्टार्ट करें। इन कार्बन सब ऑक्साइड रिएक्शन वेयर डज एन गो? बट यहाँ पे एन है कहाँ पे? कार्बन सब ऑक्साइड के रिएक्शन में एन है ही नहीं, एन कहाँ पे था? HNO3 का N, अच्छा वो तो NO2 बना के निकल जाएगा, वो NO2 बन के निकल जाता है। HNO3 का N NO2 बन के निकल जाता है, अगेन बाय प्रोडक्ट हम लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नाउ गाइस, नेक्स्ट नेक्स्ट इज नो कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड ओवर हियर। चलो तो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक इज सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, some important compounds of group 14 elements। ठीक है, तो group 14 elements के important compounds हम लोग देखने वाले हैं। Guys, am I clearly audible? Some people are saying my voice is not clearly audible. Hello, 1 2 3 1 2 3, mic check. Yes, okay. So voice is low. ओके, तुम लोगों की तरफ से जरा आवाज बढ़ा के देखो, मेरी तरफ से नहीं, वॉल्यूम पूरा अप ही है। ओके चलो, तो नाउ गाइस, नंबर वन इज कार्बन मोनोऑक्साइड, फर्स्ट कंपाउंड इज कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसकी बॉन्डिंग तुम लोगों को याद होगी, कार्बन ऑक्सीजन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड रहता है, बट कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं रहता, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट रहता है। तो ऑक्सीजन क्या बोलता है, एक काम करते हैं, मेरी एक लोन पेयर जो है वो कार्बन को दे देता हूँ, कार्बन को दे दूंगा तो हम लोगों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, मेरे पास एक लोन पेयर, कार्बन के पास एक लोन पेयर, कार्बन के ऊपर आता है डेल्टा नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर आता है डेल्टा नेगेटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, जो हम लोग जनरली लिखते वक्त ऐसे लिखते हैं, सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, इतना ही, कोई शक? ये समझ में आ रहा है? देखो गाइस, नाउ लेट्स स्टार्ट विद देयर प्रिपरेशन। इसमें बॉन्ड ऑर्डर तीन रहती है, पता होगा तुम लोगों को। लेट्स स्टार्ट विद देयर प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन में फर्स्ट रिएक्शन इज क्वाइट सिंपल, कार्बन को पकड़ो और O2 को रिएक्ट करो, ठीक है, यू विल गेट CO टू टाइम्स, ये टू टाइम्स। सिर्फ यहाँ पे हम लोग लिमिटेड सप्लाई यूज करते हैं ऑक्सीजन की, ये फर्स्ट रिएक्शन हो गई। सेकेंड रिएक्शन इज कार्बन ऐड करो CO2 में, कार्बन CO2 में ऐड करोगे तो तुम लोगों को टू टाइम्स CO मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो, एनी डाउट? थर्ड रिएक्शन क्या होने वाले गाइस? तो थर्ड रिएक्शन इज बाय यूजिंग सी डबल बॉन्ड OH, सी डबल बॉन्ड OH। इस कंपाउंड का नाम कोई बताएगा? इस कंपाउंड का कोई नाम बताएगा? दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। अब ऑक्सैलिक एसिड को हम लोग जब H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं, इसके साथ H2SO4, याद रखो H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये तुम लोगों ने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेशन मतलब क्या? तो ये पानी को निकाल लेता है, निचोड़ लेता है, ठीक है, तो इसमें से वाटर निकल जाएगा, तो इसमें से वाटर निकाल दो, ये देखो HOH निकलते हुए दिख रहा है क्या? ये निकल जाने के बाद यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ऊपर क्या बचा? CO2, ऊपर बच जाता है CO2, नीचे क्या बच गया? CO, एंड बाय प्रोडक्ट में क्या बच गया? कार्बन, सॉरी हाइड्रोजन, पर हाइड्रोजन ही वाटर, खत्म। CO2 प्लस CO प्लस H2O, कोई शक? फोर्थ रिएक्शन बाय यूजिंग
एच डैश सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसका नाम क्या रहता है बताओ, इसका नाम क्या रहता है? इसमें भी हम लोग ऐड करते हैं H2SO4, इसमें से पानी निचोड़ लेगा, तो यहाँ से एक H निकला, यहाँ से एक OH निकला, तो तुम लोगों को क्या मिल रहा है, CO plus H2O, फॉर्मिक एसिड, वेरी नाइस, करेक्ट, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज फॉर्मिक एसिड या फिर मिथेनॉइक एसिड, दोनों नाम करेक्ट है. ओके, नाउ गाइज, फिफ्थ रिएक्शन, सारी रिएक्शन एकदम सिंपल है, तो कुछ रॉकेट साइंस नहीं इसमें, कार्बन प्लस H2O, इसे जब हम लोग 1273 केल्विन पे हीट करते हैं, तो वाटर का ऑक्सीजन जो है वो कार्बन में चला जाता है, एंड वी गेट CO प्लस H2O, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एज वाटर गैस, ऑल्सो कॉल्ड एज सिन गैस, वाटर गैस या फिर सिन गैस, ठीक है, H2O, वाटर में से ऑक्सीजन निकल जाएगा तो यहाँ पे H2 बचेगा, H2O, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एज वाटर गैस या फिर सिन गैस, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन में भी यूज होता है, ये करेक्ट बोल रहे हो, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑल्सो, ओके, एंड सिक्स्थ रिएक्शन, व्हेन कार्बन प्लस N2 प्लस H2O, ये मिक्सचर यूज किया जाता है एट सेम 1273 डिग्री सेल्सियस, सॉरी केल्विन, ठीक है, तो यहां से वापस ऑक्सीजन यहां पे चला जाता है, एंड वी गेट CO प्लस N2 प्लस H2, एंड दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एज प्रोड्यूसर गैस. गैस देखो, रिएक्शंस मुझे लगता नहीं एक भी रिएक्शन ऐसे कुछ बहुत डिफिकल्ट है, सारी रिएक्शन एकदम बेसिक रिएक्शंस है, तुम लोगों को सिर्फ याद रखनी है, देख लो और लिख दो, चलो फास्ट. N2 का नाम क्या है? N2 मतलब नाइट्रोजन, गाइस ये क्या पूछ रहे हो, N2 का नाम क्या रहेगा? नाइट्रोजन रहेगा. काम हीटिंग के लिए यूज होता है, वो हीटिंग के लिए यूज होता है. फोर एन टू आता है, जब फोर एन टू रहता है तो फोर एन टू लिख दो. अगेन हम लोगों को बैलेंसिंग से कोई मतलब नहीं है, यू डोंट हैव टू केयर अबाउट बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस. ओके, बाय द वे गाइस, देयर इज वन स्मॉल चेंज, सॉरी, एक छोटा सा प्रॉब्लम है. Okay, yahan pe actually maine upar upar wali reaction same to same chhap diye niche, by mistakenly, actually this should have been O2, theek hai, 2 CO and H2 yahan pe nahi aata, maine upar wali same reaction yahan pe likh di thi. Yeah, doubt solving lecture is today, we are gonna conduct it. Okay, to likh do, ye complete kar do.
वॉट इज द यूज ऑफ एन टू? एन टू का वहां पे कुछ भी यूज नहीं है, हम लोगों को सिर्फ प्रोड्यूसर गैस में सी ओ और एन टू का मिक्सचर लगता है, इसलिए वहां पे एन टू रहता है, नथिंग एल्स. ओके चलो गाइस आगे बढ़े. सी एन मतलब ग्रेफाइट, एन नंबर ऑफ कार्बन एटम, ग्रेफाइट है ये, दिस वन इज ग्रेफाइट गाइस, हम लोग ग्रेफाइट की रिएक्शन लिख रहे थे ना, तो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में एन नंबर ऑफ कार्बन रहते हैं, एन नंबर ऑफ कार्बन इज देयर ना, इसलिए हम लोग इसको सी एन ऐसे लिखते हैं. ओके तो चलो लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स इट्स प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज की तरफ जाते हैं. तो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट. प्रॉपर्टीज नाउ व्हाट आर प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज एक नंबर, नंबर वन इज इट इज अ कलरलेस, odorless and tasteless gas. ठीक है. नंबर टू इज इट बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन, इट बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन एंड फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन. अब गाइस हमारे बॉडी में होता क्या, व्हेन वी ब्रीद, हम लोग जब सांस लेते हैं तो सांस लेने के बाद ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन को बाइंड हो जाता है. ठीक है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को बाइंड होता है हमारे लंग्स के अंदर, तो जब मैं ब्रीद इन कर रहा हूँ तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहा है, या फिर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के ऊपर चिपक रहा है. अब बाद में ऑक्सीजन को हम लोग लेके जाते हैं मसल्स तक, किधर लेके जाते हैं, मसल्स के पास. मसल्स के पास पहले से प्रेजेंट रहता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो मसल्स को हम लोग दे देते हैं ऑक्सीजन एंड उसको स्विच कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ. तो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के लेके आ जाते हैं वापस लंग्स की तरफ. कहाँ पे लेके आ जाते हैं? लंग्स की तरफ. लंग्स में हम लोगों ने वापस ब्रीद इन किया, तो सांस ली, सांस लेने के बाद हम लोगों ने ऑक्सीजन अंदर लिया, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस इंटरचेंज हो जाता है ऑक्सीजन के साथ एंड वापस हम लोगों को मिलता है HBO2. वापस यही साइकिल रिपीट होते रहता है. तो ये यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन है. ऑक्सीजन जब एब्जॉर्ब होता है तो हम लोग इसको बोलते हैं ऑक्सीहीमोग्लोबिन. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीहीमोग्लोबिन. बट अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड के एनवायरनमेंट में चला गया, जेई वालों को भी ये लिखना है, अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड के एनवायरनमेंट में चला गया तो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के ऊपर जब अटैच्ड होता है तो इट फॉर्म्स कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन, कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन. एंड नाउ This reaction is irreversible. So guys, now HB is hemoglobin. Guys, HB hemoglobin का short form रहता है. ठीक है. Now guys, ये irreversible है. मतलब क्या? तो तुम लोगों ने carbon monoxide सांस के through अंदर लिया, hemoglobin को चिपक गया. अब वो hemoglobin को कभी छोड़ेगा नहीं. Easily छोड़ने वाला नहीं है. ठीक है. अब मुझे बताओ, तुम लोग बार बार सांस लेते जा रहे हो, सिर्फ सांस लेते जा रहे हो, सांस लेते जा रहे हो. ठीक है. तो बार बार सांस लेने के बाद तुम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करते जा रहे हो, करते जा रहे हो. तुम लोगों के बॉडी के ऑलमोस्ट सारे हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल अभी कार्बन मोनोऑक्साइड को अटैच है. अब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए हीमोग्लोबिन है क्या? अभी नहीं है. तो अ पॉइंट माइट कम, अ पॉइंट कम्स where very small amount of hemoglobin is left as oxygen carrier. तो guys तुम लोगों के body के अंदर अभी oxygen carry करने के लिए hemoglobin ही कम गिर गया, तो क्या हो जाएगा, लोग मर जाओगे. So this might be fatal.
this might become fatal. तो ईशाक ये समझ में आ रहा है क्या देखो? ठीक है, yeah, this is called as CO poisoning, correct बोल रहे हो? तो this is called as carbon monoxide poisoning, इसका नाम रहता है carbon monoxide poisoning. ठीक है, तो चलो completed. हाँ, ये coordinate bond है, correct बोल रहे हो? This is coordinate bond, यहाँ पे coordinate bond formation होता है. तो वाई वी मेक कार्बन मोनोऑक्साइड, हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते ही नहीं है, मतलब जहां पे रिएक्शन में वो यूजफुल रहता है वहां पे हम लोग बनाते हैं, बाकी जगह पे हम लोग ये बनाते ही नहीं है. स्मोकिंग में कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो सकती है, स्मोकिंग के टाइम पे कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो सकती है. हमारी बॉडी ज्यादा हीमोग्लोबिन बनाती है क्या? ऐसा फैक्ट्री थोड़ी ना अंदर लगी हुई कि वो और ज्यादा बनाना स्टार्ट कर देगी फटाफट. प्रोड्यूस होते हैं बट बहुत स्लो रेट पे होते हैं. ठीक है, तो अगर हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड के एनवायरनमेंट में पहुंच गए तो हमारी बॉडी उतने फास्ट नए हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स बना नहीं पाएगी जितने फास्ट हम लोग उनको यूटिलाइज करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके. ओके, चलो तो आगे बढ़े. ओके, बाकी बायोलॉजी का मुझे इतना कुछ पता नहीं है कि एक दिन में कितने सेल चेंज होते हैं एंड एवरीथिंग. तो ओके, चलो लिख दो ये फास्ट, कंप्लीट कर दो जिन लोगों का बाकी है. चलो गाइस, हो गया लिख के सबका, लेट्स मूव अहेड. नाउ नेक्स्ट, सेकंड कंपाउंड इज कार्बन डाइऑक्साइड. अब मुझे बताओ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2, जो कैसे दिखता है? डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ऐसे दिखता है. ठीक है, अब गाइज इसके लिए प्रिपरेशन करना बहुत इजी है, इसकी प्रिपरेशन करना कुछ बड़ी बात नहीं है. प्रिपरेशन कैसे होगी इसकी बताओ जरा. प्रिपरेशन इज क्वाइट इजी, सबसे पहले तो कार्बन को पकड़ो और ऑक्सीजन के साथ जला दो, यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड. सिमिलरली कार्बोनेट लो, कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, लाइकवाइज अगर तुम लोग फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देखोगे तो हम लोगों की रेस्पिरेशन की रिएक्शन, तो ग्लूकोज प्लस ओ टू गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O. तो यहाँ पे ये सिक्स टाइम्स लगता है और ये सिक्स टाइम्स ये रेस्पिरेशन की रिएक्शन हो गई. ठीक है, मीथेन, मीथेन को हीट कर दो, तुम लोगों को वापस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा. ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की बहुत सारी प्रोसीजर्स है गाइस, तो वो हम लोगों को इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर उसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा नहीं है. ठीक है,
उसकी प्रॉपर्टीज वो थोड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो प्रॉपर्टीज लिख देता है। अब गाइस प्रॉपर्टीज में क्या आएगा, नंबर वन इट इज अ कलरलेस ओडरलेस टेस्टलेस गैस, ठीक है, इसका कलर भी नहीं है, ओडर भी नहीं है और टेस्ट भी नहीं है। नंबर टू इट इज एसिडिक इन नेचर। नाउ गाइस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिडिक नेचर, तो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर मैं वाटर में मिक्स कर रहा हूँ तो मुझे मिलता है H2CO3 विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ठीक है, तो ये एसिडिक बन जाता है। बस गाइस इतना मोर देन इनफ है, ठीक है, कंप्लीट दिस, कार्बन डाइऑक्साइड इज ओवर। अब हम लोग बढ़ने वाले कार्बाइड्स की तरफ। कार्बन डाइऑक्साइड इतना ही है, इसमें कुछ ज्यादा क्वेश्चन आती भी नहीं है और हम लोगों को भी ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस पढ़ना नहीं है इसमें। एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन बर्निंग, करेक्ट बोल रहे हो, अभी भी अच्छा खासा चैप्टर बचा है, करो करो लिखो ये कंप्लीट करो। कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन गाइस रिवर्सिबल रहती है बट वो सिर्फ क्लोज्ड कंटेनर में, ओपन कंटेनर में वो इरिवर्सिबल बन जाती है। क्लास इज स्टिल 8:30। ओके नाउ गाइस नेक्स्ट टॉपिक इज कार्बाइड्स, नेक्स्ट टॉपिक इज कार्बाइड्स। अब कार्बाइड्स के गाइस तीन टाइप रहते हैं, कितने टाइप रहते हैं, तीन टाइप, ठीक है। तो कार्बाइड मतलब कार्बन कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज, ठीक है, कार्बाइड मतलब कार्बन कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज, तो उसके ऊपर कितना भी नेगेटिव चार्ज रह सकता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब कार्बाइड के तीन टाइप रहते हैं गाइस, कार्बाइड के तीन टाइप रहते हैं, कार्बाइड कंटेन्स थ्री टाइप्स, ठीक है। नंबर वन इज मिथेन कार्बाइड या फिर मिथेनाइड, मिथेनाइड, ठीक है, या फिर मिथेनाइड कार्बाइड। देन सेकेंड वन इज एसिटाइलिन कार्बाइड, एसिटाइलिन कार्बाइड, एंड थर्ड वन इज प्रोपाइलिन कार्बाइड, प्रोपाइलिन कार्बाइड। तुम लोगों का हाइड्रोकार्बन अभी तक स्टार्ट हुआ है क्या? अब मिथेनाइड जो रहता है उनके ऊपर चार्ज रहता है -4, उनके ऊपर चार्ज रहते हैं -4, अच्छा अभी तक हुआ नहीं, ठीक है, हो जाएगा। अब एसिटाइलिन कार्बाइड जो रहता है उसके अंदर दो कार्बन रहते हैं एंड दो कार्बन के ऊपर -2 चार्ज रहता है, मतलब एक के ऊपर कितना आएगा, अगर दो के ऊपर -2 तो एक के ऊपर कितना होगा। एंड प्रोपाइलिन गाइस, प्रोपाइलिन मतलब तीन कार्बन आइटम, तुम लोगों को पता है, तो यहाँ पे तीन कार्बन रहते हैं एंड इनके ऊपर रहता है -4 चार्ज, ठीक है, एक के ऊपर -1 का चार्ज आएगा, वेरी नाइस, करेक्ट। अब मिथेनाइड कार्बाइड देखो गाइस, इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जेई 2013 में क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन मैं अभी तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जेई 2013 में या 14 में उसी अराउंड किधर पे क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, क्वेश्चन ये था कि Al4C3 ऑन रिएक्टिंग विद HOH गिव्स अस व्हाट। अब गाइस यहाँ पे तुम लोगों को आराम से सोचना है, पहली बात मुझे बताओ एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज रहता है, +3, कार्बन के ऊपर कितना चार्ज आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नाम की चीज पढ़ाई है मैंने, ये इधर 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे -4 चार्ज आएगा। देखो
चार एल्यूमिनियम प्लस थ्री चार्ज को लेके आए, मतलब प्लस 12 हो गया। प्लस 12 को बैलेंस करने के लिए तीन कार्बन माइनस फोर चार्ज को लेके आए, तो माइनस 12 हो गया। आर यू गेटिंग इट? अब मुझे बताओ गाइज, ये रहता है H प्लस और ये रहता है OH माइनस। तो H प्लस चला जाएगा कार्बन के पास, OH माइनस चला जाएगा एल्यूमिनियम के पास। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है कुछ? वॉट आई विल गेट, आई विल गेट, ये मैं रिएक्शन का प्रोडक्ट यहाँ पे नीचे, मतलब यहाँ पे मैं जरा पार्टीशन बना लेता हूँ, सो दैट हम लोगों को पता चले हम लोग किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो गाइज मुझे क्या मिलेगा, कार्बन के पास हाइड्रोजन चला गया तो मुझे मिलेगा CH। कार्बन के ऊपर माइनस फोर चार्ज है तो यहाँ पे चार हाइड्रोजन आएंगे CH4। Al के पास OH चला गया तो Al OH। अब Al के ऊपर वापस कितना चार्ज आ रहा है गाइज, तो Al के ऊपर प्लस थ्री चार्ज आ रहा है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नंबर कितना आएगा, AlOH थ्राइस। अब कार्बन कितना है, तीन है, तो यहाँ पे तीन कार्बन लिख दो। एल्यूमिनियम कितना है, चार है, तो यहाँ पे चार लिख दो। अब 4 × 3 12 हो जाते हैं, तो कितने OH रहने चाहिए, 12 रहने चाहिए, तो यहाँ पे 12 लिख दो। एंड दिस इज योर रिएक्शन JEE 2013 में पूछी हुई। कोई शक, इसका सिर्फ प्रोडक्ट पूछा था कि नीचे क्या बनता है, और आंसर था मीथेन। इसमें समझ में आ रहा है क्या, ऑप्शन मीथेन, मतलब तुम लोगों को अगर रिएक्शन लिखने आ रही है वाटर की रिएक्शन, गाइज मुझे पता नहीं कितने बार, बट अभी बहुत बार हो गई है। वाटर को हमेशा HOH फॉर्म में लिखना है, वो भी बता के बहुत बार हो गया है। तो अभी तक तुम लोगों को ये रिएक्शन समझ में आ रही है क्या, कैसे करनी रहती है, या अभी भी डाउट है? अब एसिटाइलिन कार्बाइड CaC2, इसको मैं ओपन फॉर्म में लिख रहा हूँ, ऐसे पहले मैं नॉर्मल फॉर्म में लिखता हूँ CaC2। अब गाइस CaC2 का स्ट्रक्चर कैसे रहता है, तो CaC2 का स्ट्रक्चर ऐसे रहता है, माइनस चार्ज एंड कैल्शियम के ऊपर प्लस टू चार्ज। कोई शक, CaC2 ऐसे दिखता है जैसे मैंने नीचे बनाया है, कोई शक? अब इसमें मैं अगर वाटर ऐड कर रहा हूँ, इसमें अगर मैं वाटर ऐड कर रहा हूँ HOH, यहाँ पे नीचे वाले इसमें ही लिख देते, चलो HOH, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अब हाइड्रोजन के ऊपर प्लस वन चार्ज, इसके ऊपर माइनस वन चार्ज, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाएगा, दो OH इस कैल्शियम के पास जाएंगे, टोटल दो वाटर लगेंगे। वॉट आई विल गेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्लस मुझे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन कार्बन को अटैच होने के बाद H-C ट्रिपल बॉन्ड C-H, दिस इज कॉल्ड एज एसिटाइलिन, हेंस दे आर कॉल्ड एज एसिटाइलिन हाइड्राइड। गाइस हर साल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन आता ही है। हर साल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन आता ही है, हर साल, ठीक है? तो ये रिएक्शन समझ में आएगा, देखो हाइड्रोजन कार्बन को अटैच्ड हो गए एंड OH कैल्शियम को अटैच्ड हो गए, तो एक हाइड्रोजन एक कार्बन को, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन को, तो व्हाट आई विल गेट, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। गेटिंग इट? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन इवन JEE 2021 में भी पूछा गया है, ठीक है? तो ये बार बार पूछा जाता है और बार बार पूछने वाले हैं वो लोग, ठीक है? ओके, एंड ये इसके ऊपर अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया, इसके ऊपर अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, तो अभी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो Mg2C3, अब Mg2C3 में तुम लोगों को मैग्नीशियम का चार्ज पता है प्लस टू है, दो मैग्नीशियम का हो जाएगा प्लस फोर, प्लस फोर को बैलेंस करने के लिए कार्बन के ऊपर आ जाएगा माइनस फोर। अब इसमें जब तुम लोग वाटर ऐड करोगे तो वाटर कैसे रिएक्ट करेगा, वाटर में H प्लस OH माइनस, H प्लस चला जाएगा कार्बन के पास, ठीक है, एंड OH माइनस चला जाएगा मैग्नीशियम के पास, तो व्हाट यू विल गेट, कार्बन तीन थे माइनस फोर चार्ज था, तो उसके ऊपर चार हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, प्लस मैग्नीशियम दो थे प्लस टू चार्ज था, तो उसको दो OH अटैच हो जाएंगे। अब ये कंपाउंड क्या बना, ये कंपाउंड अगर तुम लोगों को थोड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है तो ये कंपाउंड ऐसे कुछ दिखेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विच इज प्रोपाइलिन, जिसे हम लोग प्रोपाइलिन भी बोल सकते हैं, सॉरी प्रोपाइलिन नहीं, इसे बोलेंगे हम लोग, जिसे हम लोग, दिस इज कॉल्ड एज प्रोपाइन, ठीक है? तो प्रोपाइन
This is propine. Getting it, guys? चलो लिख दो ये कार्बाइड्स के बारे में. कार्बाइड्स के ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तुम लोगों को सिर्फ चार्ज बैलेंस करने आना चाहिए. मिथाइल एसिटाइलिन भी बोल सकते हैं, करेक्ट बोल रहे हो. गाइस दिस इज Mg2C3, दिस इज Mg2C3. ओके गाइज, ताकत बची है अभी भी? ओके, बिकॉज सी अगर तुम लोग रेडी हो ठीक है तो हम लोग आगे कंटिन्यू करके, अभी एक सिलिकॉन बाकी है ठीक है एंड सिलिकेट्स बाकी है. सिलिकेट्स तुम लोगों को मैंने पहले से पढ़ा के रखा है एंड फाइनली हाइड्रोलाइसिस, मतलब सिलिकॉन और हाइड्रोलाइसिस यही दो नए चॉप टॉपिक हैं. अगर तुम लोगों की इच्छा हो कि सिलिकेट्स वापस नहीं पढ़ना है तो वी कैन कंप्लीट दिस चैप्टर टुडे इटसेल्फ. तो थोड़ा सा ही बाकी है, अगर देखेंगे तो बहुत थोड़ा सा ही पार्ट बाकी है. तो इफ पॉसिबल आज ही खत्म कर देंगे तो तुम लोगों के लिए भी अच्छा है. व्हाट डू यू थिंक? ठीक है, वापस क्यों, मतलब अभी वापस फिर नेक्स्ट लेक्चर एक हम लोगों का बर्बाद हो जाएगा, आधा लेक्चर उसमें ही चला जाएगा. ठीक है, तो आज अगर हम लोग करेंगे तो ही अच्छा होगा ऐसे मुझे लग रहा है. व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक? लास्ट लेक्चर में मैंने तुम लोगों को वैसे भी जल्दी छोड़ा था ना, तो आज भी क्यों जल्दी तुम लोगों को जाना है? एक दिन तुम लोगों को जल्दी छोड़ा था ना गाइस मैंने, तो आज कर लें. ओके, तो चलो गाइस आगे बढ़ते हैं. नाउ नेक्स्ट गाइस, तुम लोगों को यहाँ पे वैलेंसी एंड ऑल कुछ भी डाउट होगा डोंट वरी एट ऑल, वो हम लोग बाद में देखेंगे ठीक है. बाद में मतलब रेडॉक्स रिएक्शन में देखेंगे ठीक है. तो नाउ गाइस लेट्स स्टार्ट विथ सिलिकॉन. सिलिकॉन इज ए इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो अगर हो गया तो हाइड्रोलाइसिस छोटा सा ही टॉपिक है. सिलिकॉन सिलिकेट्स तुम लोग वापस एक बार नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में से देख लेना, इस चैप्टर में वापस मुझे पढ़ाना चाहिए बट हम लोगों ने पहले भी एक बार देख लिया है तो आई गेस सिलिकॉन हम लोग करके ये चैप्टर ओवर हो जाएगा ठीक है. तो अब सिलिकॉन मतलब क्या? तो सिलिकॉन मतलब सिलिकॉन रबर. सिलिकॉन मतलब क्या? तो सिलिकॉन मतलब सिलिकॉन रबर ठीक है. सिलिकॉन रबर हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? तो ये हम लोग अलग अलग जगहों पे यूज करते हैं. तुम लोगों ने ग्लूगन देखी है? ग्लूगन, ग्लू गन नाम की चीज सुनी है तुम लोगों ने? सुनी है, वेरी नाइस. तो गाइस ग्लू गन में हम लोग ये यूज कर सकते हैं और बहुत अलग अलग जगहों पे ये यूज होता है ठीक है. तो ग्लू गन पता है ना, ऐसे एक बंदूक टाइप रहती है जहां पे ऐसे पीछे की तरफ एक ट्यूब लटकती रहती है व्हाइट कलर की, उसको हम लोग जब हीट करते हैं तो वो बाहर ऐसे ग्लू छोड़ता है ठीक है. हॉट ग्लू गन, करेक्ट बोल रहे हैं? तो वो ठीक है. ओके, कुछ लोगों का आई गेस लिखना बाकी है. कंप्लीट दिस गाइस फास्ट, लिख दो कार्बाइड्स खत्म कर दो जल्दी. यप, वो जो स्टिक रहती है पीछे की तरफ वो सिलिकॉन की रहती है. ओके गाइस, तो अब याद रखो सिलिकॉन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो दिस इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट. अगेन दिस टॉपिक इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. याद रखो इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं? B2H6, बोरिक एसिड, सिलिकेट, सिलिकॉन एंड उसके बाद कार्बाइड ठीक है. ये इतने टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें B2H6,
सिलिकॉन और सिलिकेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सिलिकॉन, अब यहाँ पे रिएक्शन होती कैसे है, तो देखो यहाँ पे तीन स्टेप होती है। स्टेप नंबर वन, प्रिपरेशन ऑफ, स्टेप नंबर वन प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल फिनाइल क्लोराइड, अल्काइल फिनाइल क्लोराइड इसका प्रिपरेशन। अब हम लोग इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, हम लोग लेते हैं अल्काइल हैलाइड, कोई भी अल्काइल हैलाइड, मिथाइल रह सकता है, इथाइल रह सकता है, प्रोपाइल रह सकता है, कुछ भी, और उसमें मिक्स कर देते हैं सिलिकॉन। एंड इन दोनों को मिक्स करके हम लोग एक कॉपर के कंटेनर के अंदर उसको रख देते हैं, उन्हें हीट करते हैं 300 डिग्री सेल्सियस पे। अब रिएक्शन क्या होगी, तो देखो गाइस ऐसा हो सकता है, सिलिकॉन हमेशा कितने बॉन्ड बनाते हैं, पहले वो बताओ कि सिलिकॉन हमेशा कितने बॉन्ड बनाते हैं, सिलिकॉन हमेशा कितने बॉन्ड बनाते हैं, चार बॉन्ड बनाते हैं, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। तो गाइस ऐसा हो सकता है क्या कि एक अल्काइल ग्रुप यहाँ पे गया और तीन क्लोरीन यहाँ पे सिलिकॉन के पास गए, फर्स्ट पॉसिबिलिटी कि एक अल्काइल ग्रुप सिलिकॉन के पास गया एंड तीन क्लोरीन सिलिकॉन के पास गए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, दो अल्काइल ग्रुप सिलिकॉन के पास गए, दो क्लोरीन सिलिकॉन के पास गए, ये भी तो हो सकता है। तो गाइस सेकंड पॉसिबिलिटी इज सिलिकॉन को दो अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो गए एंड दो क्लोरीन अटैच्ड हो गए। अब गाइस थर्ड पॉसिबिलिटी क्या होगी, अच्छा ये एक रह गया क्या, देखा नहीं। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी सिलिकॉन को एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है और तीन क्लोरीन एटम्स अटैच्ड है, ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या बोली मैंने, दो अल्काइल ग्रुप सिलिकॉन को अटैच्ड है एंड दो क्लोरीन अटैच्ड है सिलिकॉन को। अब थर्ड पॉसिबिलिटी क्या होगी गाइस, तीन अल्काइल ग्रुप सिलिकॉन को अटैच्ड होंगे एंड एक ही क्लोरीन अटैच्ड होगा, गेटिंग इट और नॉट। तो गाइस यहां पे अल्काइल ग्रुप कितने हो जाएंगे, तीन अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो आर एस आई आर आर एंड एक क्लोरीन, इज इट क्लियर, ये समझ में आया क्या। देखो रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन अगर बैलेंस करनी है यहाँ पे तीन लिख दो, एक दो तीन चार पाँच छः, यहाँ पे छः लिख दो, नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड, ठीक है। तो गाइज इसमें हम लोगों को मिक्सचर मिलता है, इस रिएक्शन में हम लोगों को ये मिक्सचर मिलता है, कोई शक, ये समझ में आया क्या। देखो अब ये फर्स्ट प्रोसेस, अब इसमें ही और एक मेथड रहती है, और एक सेकंड मेथड क्या रहती है, सेकंड मेथड में तुम लोग आर एम जी सी एल यूज करोगे। ये कभी कंपाउंड देखा है क्या तुम लोगों ने, आर एम जी सी एल, ये कंपाउंड तुम लोगों ने देखा है क्या, ऑल आर एंड ऑल सी एल वो भी बन सकते हैं, बट वो हम लोगों को देखना नहीं। दिस रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो तुम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, अभी तक तुम लोगों की ऑर्गेनिक पूरी तरह से स्टार्ट नहीं हुई है ना, इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऑर्गेनिक में जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगी तब तुम लोगों को ये सब दिखेगा। दिस इज कॉल्ड एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसमें मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज रहता है प्लस टू, आर के ऊपर माइनस वन, सी एल के ऊपर माइनस वन, ऐसा कुछ, ठीक है। नाउ दिस कंपाउंड इज रिएक्टेड विथ एस आई सी एल फोर। अब गाइस रिएक्शन क्या होगी बताओ, सिलिकॉन के ऊपर प्लस फोर चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर माइनस वन चार्ज है, आर भागेगा सिलिकॉन की तरफ, सी एल भागेगा एम जी की तरफ, आर यू गेटिंग इट। आर सिलिकॉन को अटैच हो गया, तो आर यू विल गेट आर एस आई एंड बाकी तीन सी एल जैसे थे वैसे ही रह जाएंगे एंड यू विल गेट एम जी सी एल टू, कोई शक। सिलिकॉन की तरफ आर गया, क्लोरीन मैग्नीशियम की तरफ गया, एम जी सी एल टू एंड आर एस आई सी एल थ्री। अब गाइज सिमिलरली यस आविष्कार, इवन दैट वन इज पॉसिबल, बट वो हम लोगों को यूज करके कुछ फायदा नहीं है। आर एम जी सी एल अगर हम लोग दो बार लेंगे तो वॉट आई विल गेट, अब इस केस में हम लोगों को क्या मिलेगा, सिलिकॉन को दो अल्काइल ग्रुप अटैच है एंड दो क्लोरीन अटैच है, दो एम जी सी एल टू इसमें से निकल गए। अब गाइस थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, तीन आर एम जी सी एल हम लोगों ने कंबाइन किए विथ एस आई सी एल फोर, तो मुझे क्या मिलेगा, एस आई आर 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 एक सी एल बच गया एंड तीन एम जी सी एल टू बच गए। ये स्टेप नंबर वन है,
स्टेप नंबर वन में हम लोग क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, अल्काइल सिलाइल क्लोराइड, क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, अल्काइल सिलाइल क्लोराइड। अब इनके नाम अगर कोई पूछेगा नहीं, बट अगर नाम पता रहने चाहिए, तो इनका फर्स्ट वाले का नाम रहता है मोनो अल्काइल, एक ही अल्काइल ग्रुप, तो मोनो अल्काइल, मोनो अल्काइल सिलाइल क्लोराइड। सेकंड वाले का क्या हो जाएगा, सेकंड वाले का बन जाएगा डाई अल्काइल सिलाइल क्लोराइड, एंड थर्ड वाले का क्या बन जाएगा, ट्राई अल्काइल सिलाइल क्लोराइड। ठीक है, अब गाइस कॉपर यहाँ पे क्यों यूज होता है, कॉपर एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है, नथिंग एल्स, कॉपर हीटिंग कंटेनर यूज हो रहा है, कैटलिस्ट की जैसे काम करता है। अब गाइस स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू इज फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल सिलाइल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, तो गाइस अल्काइल सिलाइल हाइड्रोक्साइड में कैसे होता है, चलो वो भी एक बार देख लेते हैं। अब हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा गाइस, तो हाइड्रोलाइसिस करके, नथिंग एल्स। अब यहाँ पे कैसे होता है देख लो, अगर मेरे पास ये वाला टाइप है, मुझे बताओ ये कौन सा टाइप हो गई, ये हो गई ट्राई अल्काइल सिलाइल क्लोराइड, इसमें हम लोग एच ओ एच एड कर रहे हैं, तो गाइस कैन यू सी इट, डायरेक्ट तुम लोगों को दिख रहा होगा HCl निकल जाएगा, H प्लस सी एल माइनस HCl निकल गया, एंड ओ एच माइनस सी एल एस आई के ऊपर अटैक करेगा, ट्राई अल्काइल वाली कैटेगरी है ये, तो यू विल गेट आर एस आई आर आर ओ एच, कोई शक। अब गाइस उसी बदले अगर मैं दूसरी कैटेगरी यूज करूं Cl Cl प्लस एच ओ एच टू टाइम्स, अब जब टू टाइम्स होगा तो क्या होगा, दो एच दो सी एल के साथ कंबाइन होंगे, दो ओ एच सिलिकॉन को अटैच हो जाएंगे, तो वॉट यू विल गेट, सिलिकॉन आर आर ओ एच, टू ओ एच आएंगे, करेक्ट बोल रहे हो, दो ओ एच आएंगे यहाँ पे ओ एच ओ एच। अब गाइज मुझे बताओ जब तुम लोग तीसरी कैटेगरी यूज करोगे, तीसरी कैटेगरी क्या है, सिलिकॉन आर सी एल सी एल सी एल प्लस एच ओ एच, कितने यूज होंगे, तीन होंगे, तो तीन एच तीन सी एल के साथ कंबाइन हो जाएंगे टू फॉर्म थ्री एच सी एल, एंड कितने ओ एच आएंगे, तो तीन ओ एच आएंगे यहाँ पे, तो आर ओ एच ओ एच ओ एच, खत्म। अब ये बन गया तुम लोगों का मोनोमर, इसे हम लोग बोलते हैं मोनोमर। एंड थर्ड स्टेप, स्टेप नंबर थ्री, तुम लोगों का लिखना बाकी होगा, लिखने के लिए मैं टाइम दे दूंगा, या फिर तुम लोग बाद में लेक्चर के बाद आराम से लिखना। स्टेप नंबर थ्री, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो गाइस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप रहती है रबर फॉर्मेशन, रबर आर पॉलीमर्स। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप रहती है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, याद रखना इसके ऊपर, थर्ड वाले के ऊपर ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो पहली कैटेगरी अगर मैं यूज कर रहा हूं ट्राई अल्काइल सिलाइल हाइड्रोक्साइड, गाइस याद रखो, अगर अभी तुम लोगों में ताकत नहीं है लिखना बंद कर दो, बट देखते रहो, ट्राई अल्काइल सिलाइल हाइड्रोक्साइड अगर मैं यूज कर रहा हूँ, तो वॉट आई विल गेट, ट्राई अल्काइल सिलाइल हाइड्रोक्साइड मतलब तीन अल्काइल ग्रुप है, आर एस आई आर आर सी आर ओ एच प्लस ओ एच एस आई आर आर आर। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब पॉलीमराइजेशन होगा, मुझे बताओ गाइस इसमें से क्या निकलेगा, क्या लगता है इसमें से क्या निकलने वाला है, बताओ बताओ इसमें से कौन सी चीज रिमूव होगी, OH रिमूव होगी, OH थोड़ी ना, वाटर रिमूव होगा, वेरी नाइस। तो गाइस इसमें से वाटर निकल जाएगा, HOH निकल जाएगा, वाटर निकलने के बाद यू विल गेट अ कंपाउंड लाइक दिस,
मुझे बताओ गाइस, ये पॉलीमर है या डाइमर है? इसे तुम लोग पॉलीमर बोलोगे या डाइमर बोलोगे? यहाँ पे दो ही यूनिट ज्वाइन हो रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज डाइमर। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो, ये डाइमर बन गया। अब गाइज सेकेंड सेकेंड आता है ये डाइमर, मतलब जब तुम लोग ट्राई अल्काइल यूज करोगे तो डाइमर बनेगा। अब गाइज जब तुम लोग डाई अल्काइल यूज करोगे, डाई अल्काइल सिलाइल हाइड्रोक्साइड, तो इस केस में क्या होता है वो देख लेते हैं। अब डाई अल्काइल के केस में कैसे होगा गाइज? सिलिकॉन आर आर सी एल सी एल प्लस सी एल एस आई आर आर सी एल प्लस, अरे सॉरी सी एल नहीं, ओ एच, इसको ओ एच कर दो। ओ एच ओ एच ओ एच ओके, तो ओ एच एस आई आर आर ओ एच। अब गाइज इसमें से मुझे बताओ, ये आगे इधर भी कंटिन्यूड रहेगा और ये पीछे इधर भी कंटिन्यूड रहेगा। अब यहाँ पे कैसे रिएक्शन होगी? यहाँ से एच ओ एच निकल जाएगा, यहाँ से एच ओ एच निकल जाएगा, आर यू गेटिंग इट? यहाँ से एच किसी और के ओ एच के साथ निकल जाएगा और यहाँ का ओ एच किसी और के एच के साथ निकल जाएगा, आर यू गेटिंग इट? तो गाइज इसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा? इसका प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे पहले बच गया सिलिकॉन जो इधर आगे की तरफ, सॉरी पीछे की तरफ रिएक्ट करते जा रहे हैं, मतलब पीछे से वो चेन बनाते हुए आ रहे हैं, ऊपर दो आर, बाजू में एक ओ। अब ये ओ सिलिकॉन को अटैच्ड है, उसके ऊपर और नीचे दो आर, उसके बाजू में और एक ओ, ये ओ वापस सिलिकॉन को अटैच्ड है, इसके ऊपर नीचे और दो आर, उसके बाजू में एक ओ, एंड ये ओ और आगे कंटिन्यूड है। आर यू गेटिंग इट? मुझे बताओ ये जो पॉलीमर बनेगा ये कौन सा टाइप का बनेगा? तो दिस इज अ स्ट्रेट चेन पॉलीमर, स्ट्रेट चेन पॉलीमर, कोई शक? दिस इज अ स्ट्रेट चेन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर हो रहा है, करेक्ट बोल रहे हो, इनफाइनाइटली लॉन्ग चेन बनते जाएगी, करेक्ट है। अब गाइज लास्ट कैटेगरी रहती है, थर्ड कैटेगरी, जो कि है मोनोअल्काइल, मोनोअल्काइल सिलाइल हाइड्रोक्साइड की। अब मुझे बताओ यहाँ पे स्ट्रेट चेन बनेगा या कैसे बनेगा? इसमें स्ट्रेट चेन बनेगी या क्या बनेगी? यहाँ पे स्ट्रेट चेन रहेगी क्या? ओ एच एस आई आर ओ एच ओ एच। गाइस आई नो तुम लोग बहुत थक गए रहोगे, बट थोड़ा सा प्लीज खत्म कर देते हैं, क्यों छोटी सी चीज बचा दे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तो यहाँ पे मुझे बताओ गाइज ये स्ट्रेट चेन बनेगी या कुछ और बनेगा? तो गाइज यहाँ पे मतलब कुछ लोग तो अभी रोने लग गए रहेंगे शायद से, आई नो, समझ सकता हूँ मैं। यहाँ पे गाइज नेट लाइक, करेक्ट बोल रहे हो, ब्रांच चेन बनती है। कैसे चेन बनती है? ब्रांच, ठीक है, यहाँ पे ब्रांचिंग होती है। देखो यहाँ पे से ये निकल गया, यहाँ पे से ये निकल गया, ये और आगे कंटिन्यू होगा, यहाँ से एच निकल जाएगा, ये और आगे कंटिन्यू होगा, यहाँ से ये निकल गया, यहाँ से ये निकल गया, एंड यहाँ से ये निकल गया। अब यहाँ से वाटर निकलेगा, इधर से भी वाटर निकलेगा और इधर से भी वाटर निकलने वाला है, ठीक है। तो अब ये जो स्ट्रक्चर बनने वाला है वो कैसे बनेगा? वो पूरा का पूरा एक ब्रांच स्ट्रक्चर बनने वाला है। तो सिलिकॉन, यहाँ पे एक ओ बच गया, ये ओ आगे की तरफ रिएक्ट करते जा रहा है, बीच में ओ बच गया, ऊपर की तरफ आर है, नीचे की तरफ ओ बच गया, वापिस एक सिलिकॉन, आर ओ सिलिकॉन आर, ये आगे की तरफ कंटिन्यूड है, नीचे की तरफ सिलिकॉन, यहाँ पे भी ओ आगे की तरफ कंटिन्यूड है, ओ सिलिकॉन
ओ सिलिकॉन, सॉरी सिलिकॉन नहीं, ओ सिलिकॉन बीच में आ गया ओ, ये आगे तरफ कंटिन्यूड है, नीचे आएंगे आर आर आर. एंड गाइस दिस इज कॉल्ड एज ब्रांच्ड, दिस इज कॉल्ड एज ब्रांच्ड सिलिकॉन, ब्रांच्ड सिलिकॉन. इट इज अ पॉलीमर. ठीक है तो गाइस ये रहते हैं सिलिकॉन्स. एंड नाउ विद दिस वी कैन डिक्लेयर दैट दिस चैप्टर इज ओवर. सिलिकेट्स जो है वो पार्ट हम लोगों ने पहले से कर लिया है तो वो मैंने वापस नहीं करवाया है, बट विथ सिलिकॉन दिस चैप्टर इज ओवर. ठीक है तो गाइज एक बार वापस एक बार देख लो हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन. डोंट वरी मैं और किसी चैप्टर में वो घुसेड़ दूंगा. हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन तुम लोगों की हो जाएगी, डोंट वरी एट ऑल. हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन हम लोगों ने पहले से बहुत बार की है एंड वापिस हम लोग करेंगे. ठीक है तो 8:30 को तो मैंने खत्म कर ही दिया चैप्टर जिस टाइम पे खत्म होना चाहिए था. ठीक है तो चलो गाइज टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू गाइज. Okay, bye everyone. Bye-bye. Bye guys. Chalo, chapter over ho gaya.